दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे अजीबो गरीब वाकयात पेश आए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ्रीका हो। लेकिन एक ऐसा मुल्क है, बल्कि एक ऐसा जजीरा है जहां के वाकयात आज की तारीख में भी उसी तरीके से पेश आते हैं जैसे आज से 100 साल पहले पेश आते थे। इस जजीरे को ईस्ट एशिया में ही पाया जाता है। कई सालों से उस जजीरे पे क्या होता है, क्या हो रहा है, उसके बारे में दुनिया को ज्यादा इल्म नहीं। समझा जाता है कि वहां पे रहने वाले बाकी तमाम दुनिया से अपने आप को दूर ही रखते हैं। वहां किस किस्म की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, किस किस्म की सोसाइटी बनाई जा रही है, बस मुख्तलिफ छोटे छोटे अखबारों से पता चलता है। वहां की इंफॉर्मेशन इतनी लिप टाइट है कि उसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। और फिर उसके ऊपर उनकी जबान, एक ऐसा जजीरा। सिर्फ यही नहीं, दुनिया में ऐसे कई सारे ममालिक और जजीरे मौजूद हैं जहां पे अंग्रेजी बोलना बुरा समझा जाता है। ईस्ट एशिया का ये आइलैंड, जिसे आम जबान में जापान कहा जाता है, आज हम वहां से ताल्लुक रखने वाले कुछ हॉरर वाकयात या कुछ ऐसे जगहें आप लोगों के सामने पेश करेंगे, जिसमें एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां कहा जाता है कि वो इतना थिक है, यानी वहां इतने दरख्त हैं कि सूरज की किरणें जमीन पे नहीं पड़ी कई सालों से। फिर उसी मुल्क में एक ऐसा गांव है जहां पे कहा जाता है कि इंसानों को रिप्लेस कर दिया गया है। किस चीज से? आगे उसके बारे में हम बताएंगे। फिर एक गोस्ट टाउन है जो कि एक जमाने में लोगों से भरा होता था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहां से लोग अपना सामान, अपनी कीमती चीजें छोड़ छाड़ के रातों रात फरार हो गए। फिर जापान के ही एक शहर टोक्यो में एक ऐसा मेंशन मौजूद है जहां के वाकयात वहां के लोगों के हिसाब से सबसे खतरनाक माने जाते हैं। फिर एक ऐसा होटल बनाया गया था 1972 में, जिसको कहा गया था कि वो उस मखसूस जगह की तकदीर बदल देगा। लेकिन 1970 में बनने वाला ये होटल 1980 में इस तरह वीरान हो गया कि ऐसा लगता था कि वहां कभी इंसान ने कदम ही नहीं रखा। ऐसा क्या हुआ? इन सारी चीजों के बारे में आज के शो में हम बात करेंगे। ओकीगारा फॉरेस्ट, जो कि माउंट फूजी के बिल्कुल दामन में मौजूद है। माउंट फूजी जो कि जापान का हाईएस्ट माउंटेन कहा जाता है और फोकल पॉइंट है टूरिज्म के लिए। आपने अक्सर जापान जब टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको फूजी माउंटेन्स के बारे में डिटेल में तस्वीर मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी।
लेकिन उसी के अहाते में, उसी के दामन में एक ऐसा जंगल भी मौजूद है जिसके एंटर होते ही एक बहुत बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है, जहां पे हुकूमत की तरफ से ये लिखा गया है कि यहां पे खुदकुशी नहीं करी जाए, जहां पे शायद ये माना जाता है कि उस जंगल में कुछ ऐसी मखलूक रहती है जो वहां पे सफर करने वालों को अपने अंदर ही समा लेती है। कहा जाता है कि ये जंगल इतना थिक है कि अरसा हो गया है सूरज की किरणों को उस जमीन पे पड़े हुए, वो दरख्त इतने ज़ईफ़, इतने बूढ़े हो चुके हैं कि उनकी शाखें जमीन के अंदर से होती हुई गारों के अंदर होती हुई जा रही। कई सारे गार भी उस फॉरेस्ट के अंदर पाए गए। ऐसा ही एक गार ट्रैवलिंग करने वाले एक ग्रुप ने एक्सप्लोर किया। ये ग्रुप अमेरिका से ताल्लुक रखता था और बड़ी तगदोग, बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिशों के बाद उनको जापान का वीजा मिला और वो लोग पूरे अपने 5-4 लोगों के साथ उस जंगल की तरफ बढ़े। इस जंगल को आम जबान में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, मतलब हर साल कम से कम नहीं तो 200 से 300 लोगों की सुसाइड ज्यादा लाशें वहां मिलती हैं। रीजन क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता चल सका। शायद इसी कहानी की तलाश में दुनिया के और ट्रैवलर्स इस जगह पे फौरन जाने की कोशिशें करते हैं कि शायद उनको उस कहानी की सच्चाई मिल जाए। बताया जाता है कि ये 4 लोगों का ट्रूप जब जंगल की तरफ बढ़ा तो वो एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे से खो गए। इस जंगल की डेंस इतना है ये जंगल कि वहां पे अपने आप को ढूंढने के लिए दरख्तों पे निशानात लगाने पड़ते हैं, टेप्स लगानी पड़ती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ही डायरेक्शन में चलते रहें और हम गुम हो जाएं। लेकिन जितनी भी निशानियां लगा लें, जितने भी इशारे लगा लें, वो जंगल शायद चाहता है कि जो लोग उसमें जाएं वो गुम हो जाएं। और ऐसा ही उस ग्रुप के साथ हुआ। जब एक दूसरे से अलग हुए तो कम्युनिकेट करने के लिए वायरलेस का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन उस इलाके में, उस जंगल के इलाके में कहा जाता है कि कहीं पे भी सिग्नल्स नहीं आते, तो ना आप मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं ना वायरलेस। मतलब ये कि अगर आप गुम हो जाएं तो आप को कोई नहीं ढूंढ सकता। अब सिलसिला शुरू होता है जब ये ग्रुप एक दूसरे से अलग होता है, अंधेरा होना शुरू होता है और रात को ये जंगल जिंदा होना शुरू होता है, बकौल उन लोगों के जो सरवाइव करके वापस बाहर निकल गए या फिर जो उधर काम करते थे, यानी के जो पुलिस वाले, जो फॉरेस्ट रेंजर्स थे, बकौल उन फॉरेस्ट रेंजर्स के, उन्होंने लातादाद ऐसी लाशें देखी हैं जो गली सड़ी, कभी कभार तो जानवरों की खाई हुई पड़ी भी मिली है उन्हें। जब ये ग्रुप जंगल की तरफ बढ़ता है और एक दूसरे से गुम हो जाता है तो परेशानी फैलना शुरू हो जाती है। एक दूसरे को चीखते हैं, चिल्लाते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन चूंकि इतना घना जंगल था कि किसी की भी आवाज किसी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इनमें से एक लड़के ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना
अंधेरे होने का इंतजार किया जाए ताकि वो आग लगाए और उस रोशनी से पता चले दूसरों को कि ये शख्स यहां पे मौजूद है। रात हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, खामोशी ही खामोशी, और शायद ये ट्रिक उसकी काम आ जाती है क्योंकि जैसे ही वो आग लगती है और उस जंगल में थोड़ी सी रोशनी होती है तो चार लोगों में से दो लोग उस आग को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं और वो तीन लोग इकट्ठा हो जाते हैं सिवाय एक के। एक उस दोस्त का अभी तक मालूम नहीं था कि वो है तो है कहां। तकरीबन कहा जाता है कि चार घंटे तक वो तीन दोस्त उस वाहिद लड़के की तलाश में रहे, फिर शायद कोई चमत्कार ही हुआ कि वो चौथा दोस्त भी मिल गया, लेकिन जिस हालत में मिला उसके बारे में ये कहानी है। जब उन तीनों ने उस लड़के को पाया, जिस हालत में पाया, वो देख के परेशान हो गए कि हमारे इस दोस्त के साथ हुआ क्या है। हाथ पैर कटे हुए, खून में लथपथ और जिस्म पे इस तरह के निशान कि जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच दिया हो। जब उसे होश आता है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या, तो वो सिर्फ एक वर्ड बार बार बोलता है और वो था गार, केव। गार, केव। जब ये बार बार वर्ड रिपीट होता है तो वो दोस्त ये समझने की कोशिश करते हैं कि शायद इसने कोई गार देखा है। उस वक्त तक ना कोई वहां का रेंजर्स मौजूद थी, ना कोई एम्बुलेंस मौजूद थी, ना कोई मेडिकल हेल्प मौजूद थी। जो भी इन्होंने करना था खुद से करना था। अपने दोस्त को अगर बचाना था तो उनको उन्हीं सर्कमस्टांसेस में ही कुछ ना कुछ करना था। किसी तरीके से खून को रोका गया, जख्मों के ऊपर पट्टी डाली गई और सुबह होने का इंतजार कर ही रहे थे कि इस दौरान उस दोस्त की तबीयत थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई और उसने बताना शुरू किया कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। बताता है कि जब हम सब एक साथ थे और आगे बढ़ रहे थे तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे पुकार रहा है और उसी आवाज को फॉलो करते करते मैं बाकी तमाम लोगों से अलग हो गया और वो आवाज को फॉलो करते करते मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे एक गार बना हुआ था और वो गार कोई खुला हुआ गार नहीं था, मतलब उसको बंद किया गया था ऐसा लग रहा था और आवाज मुस्तकिल आए जा रही थी जैसे कोई पुकार रहा है, कोई तकलीफ में है, कोई रो रहा है। जब वो उस गार के बिल्कुल सामने पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि वो आवाज उस गार के अंदर से आ रही है। उसको लगा कि जैसे कोई शायद और उनकी तरह कही ग्रुप का कोई बंदा उस गार में कैद हो गया है या कोई और जो आया हो घूमने फिरने के लिए वो कैद हो गया हो। हालांकि इन तमाम लोगों को इस गार की सच्चाई मालूम थी, इस जंगल की सच्चाई मालूम थी और उसी सच्चाई की वजह से, उसी कहानी की वजह से वो लोग उस जंगल की तरफ गए थे, लेकिन इनका मानना ये था कि शायद ही कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या गोस्ट इनकाउंटर हो। उनका इस बात पे कोई जीरो रिस्पॉन्स था। कहता है कि मैंने बड़ी कोशिश की कि उस गार में दाखिल होने का कोई रास्ता देख सकूं, लेकिन गार का जो बिल्कुल फ्रंट का एरिया था उनको पत्थरों से बंद किया गया था, लेकिन उन पत्थरों के बीच में थोड़ा सा गैप था जिससे अंदर गार में क्या है ऐसा लग रहा था कि नजर आ रहा है,
कहता है मैंने उसके अंदर से झांकने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत है जो बहुत बिलबिला के रो रही है। अभी वो कहता है कि मैं उस औरत की मदद के लिए कुछ करने की कोशिश ही करता कि अचानक से वो आवाज जिसको फॉलो करते करते मैं उस गार तक पहुंचा था, वही आवाज अब मुझे जंगल के चारों तरफ से आना शुरू हो गई। और अब की बार ऐसा लग रहा था कि कोई हंस रहा है, ऐसे जैसे कोई शरारत कर रहा हो, किसी को तंग कर रहा हो। इसी दौरान उस लड़के को अपने नाम की भी आवाज आना शुरू हो गई, जैसे कोई उसको उसके नाम से पुकार रहा हो। उसको लगा कि शायद गुम हो जाने की वजह से उसके दोस्त उसको पुकार रहे हैं, और वो उसी आवाज को फॉलो करते करते थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा है तो कहता है कि मैं एक दरख्त पर पहुंचा हूं जहां पे थोड़े फासले पे एक बहुत ही घनी साइड थी उस जंगल की, जहां पे हल्की सी रोशनी आ रही थी, और उस रोशनी के बीच में मैंने एक अजीब और गरीब भयानक हौलनाक खतरनाक सी मखलूक को देखा जो दरख्त की पहली शाख के ऊपर बैठी हुई थी। पहले तो उसको लगा कि शायद कोई जंगली जानवर हो, लेकिन जब उसने उसको गौर से देखा तो वो कुछ आधी इंसान और आधी जानवर का क्रॉस। वो बंदा बताता है कि पल भर में जो अच्छे खासे फासले पे मखलूक मेरे सामने थी, वो चंद सेकंड के अंदर दरख की शाख से नीचे उतर के भागती हुई मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग गई। और उस वक्त तक मुझे ये अंदाजा हो चुका था कि शायद यही मेरी मौत है जो मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। कहते हैं इसी दौरान मुझे पता नहीं पीछे से, साइड से, ऊपर से, कहां से किसी एक चीज ने जोरदार हाथ मारा, और उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जब उसकी आंख खुली तो उसके दोस्त उसके सामने खड़े हुए थे। जब ये कहानी उन दोस्तों ने सुनी तो उनको लगा कि शायद खौफ के मारे या डर के मारे या ऑक्सीजन की कमी की वजह से या और कोई रीजन की वजह से वो उसका दोस्त पैनिक मोड में आके हेलुसिनेट कर रहा है। उनको उसकी ये कहानी कुछ समझ में नहीं आई, और वैसे भी किसी नॉर्मल इंसान को अगर आप ये बताएं कि मैंने इस तरह की चीज देखी तो कोई भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और हर दोस्त की तरह बाकी तमाम दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लग गए, हंसने लगे। लेकिन एक बात तो तय थी कि उसकी हालत देख के ये अंदाजा हो रहा था कि कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ था। बकौल उन दोस्तों के, उनको शुरू शुरू में ये लगा कि शायद कोई जंगली जानवर है जिसने इसके ऊपर अटैक किया, जिसको ये कह रहा है कि कोई मखलूक है। अभी ये सारी गुफ्तगू हो ही रही थी कि अचानक से उसी अंधेरे में, उसी जंगल के इर्द गिर्द जहां ये बैठे हुए थे, फिर से हंसने की, रोने की, कहकहाने की, बातें करने की आवाजें आना शुरू हुई। बकौल उस ग्रुप के, वो कहते हैं कि ऐसा लगा कि अचानक से जंगल जिंदा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो जो दरख्त हमारे इर्द गिर्द थे वो बातें कर रहे हैं। ओकिगारा फॉरेस्ट के जो इर्द गिर्द शहर है टोक्यो, वहां के लोगों का मानना ये है कि इस जंगल में इतनी अमवात हो चुकी हैं, इतनी डेथ्स हो चुकी हैं, इतनी सुसाइड्स हो चुकी हैं कि जो लोग भी मरते हैं उनमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी डेड बॉडीज बाहर निकाली जा सकती हैं। वो खुद ब खुद ही डीकम्पोज होके उसी जमीन, उन्हीं दरख्तों का हिस्सा बन जाते हैं। ये सारी कहानी सिर्फ उन लड़कों के साथ ही नहीं बल्कि और भी कई लातादाद ट्रैवलर्स या फिर वहां काम करने वाले लोगों के साथ पेश आई, जिसे यूरई के नाम से जाना जाता है। यूरई उस मखलूक को कहा जाता है
या उनका मानना ये है कि ये वो स्पिरिट है, वो गोस्ट है जो कई सालों पहले इस जंगल में मदद के लिए किसी तरीके से पहुंची और उसकी वहां पे डेथ हो गई और मरे मरे उसकी बॉडी वहीं सड़ गई, उसी जमीन के अंदर वो खुद ब खुद मिक्स हो गया, डीकम्पोज हो गया, कीड़ों ने खा लिया, जानवरों ने खा लिया। और उससे लेके आज तक कहा जाता है कि उस शख्स की रूह भटकती है। ये तो एक वाकया था, इस जंगल से रिलेटेड हजारों वाकयात हैं जो आपको जापान के लोकल बताएंगे अगर आपका कभी जाना हो। वैसे तो जापानीज इन बातों पे ज्यादा बात करने की ख्वाहिश जाहिर नहीं करते, ना ही उनको पसंद है, लेकिन ओकीगारा फॉरेस्ट और उसके इर्द गिर्द के इलाके की जो ईरीनेस है, स्पूकीनेस है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इग्नोर तो उस साइन बोर्ड को भी नहीं किया जा सकता जिसको गवर्नमेंट ने लगाया है बिल्कुल एंट्रेंस पे, जिसमें कहा गया है कि कोई भी इस जंगल में रात के वक्त एंटर ना हो। और सुसाइड करना ममनू है। ये तो एक वाकया है उस जगह का। इस तरह के वाकयात और भी हैं, कई सारी आपको मूवीज मिलेंगी, उनमें सर फेरिस्ट है, द फॉरेस्ट, जो कि एक्चुअली तो एक असल कहानी है लेकिन उसको फिक्शन के तौर पे पेश किया गया, जिसमें दिखाया जाता है कि ट्विन बहनें हैं, एक है जो अमेरिका में रहती है और उसको अचानक से एक रात कॉल आती है कि आपकी जो ट्विन बहन है वो इसी जंगल में गुम हो गई है। कहाँ गई है किसी को नहीं पता, लापता हो गई है। और वो बहन निकलती है उसकी तलाश में और फिर उसके साथ क्या क्या वाकयात पेश आते हैं वो आप जब फिल्म देखेंगे आपको अंदाजा होगा। लेकिन उसी तरह के वाकयात रियलिटी में लोगों के साथ भी पेश हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है मिन्हाज अली अस्करी। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर मिडनाइट हॉरर स्टोरीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि सब साथ खैरियत से हमारे प्रोग्राम सुन रहे होंगे, ठीक ठाक होंगे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहत याब करे, और जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनकी मगफरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। आज का प्रोग्राम हमने सोचा कि जापनीज़ हॉरर स्टोरीज या जापनीज़ हॉन्टेड इलाके जो हमें मालूम है, जो इंटरनेट पर जिनके बारे में बहुत कम बात होती है, वो आपके साथ शेयर की जाए। और ये सिलसिला तकरीबन 2 घंटे तक का है, तो हम 2 घंटों में 4-5 ऐसे मशहूर मशहूर जगहें हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे और फिर उनसे रिलेटेड वाकयात भी कुछ हैं जो बताएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग हमारी स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहते हैं और आप लोग के पास भी कोई इंफॉर्मेशन है जापान के हवाले से, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, विच इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप लोग अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, official.minhajaliaskari@gmail.com, जो कि स्क्रीन पे भी आ रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग हमारी स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और ये लिंक आपको मिलेगा हमारी YouTube चैट के कमेंट सेक्शन पे, जो कि पिंड हुआ हुआ है टॉप पे, आप देखिए आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग अपने वाकयात हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं, WhatsApp करना चाहते हैं तो बिल्कुल WhatsApp कर सकते हैं 03111577
846। जापान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो बड़ी जंगजुई हिस्ट्री है, बड़ी पतलो गारत खून रेजी वाली हिस्ट्री है, सैमुराई से लेके खतरनाक खतरनाक जंगें, और उसके ऊपर फिर अमेरिका का एक इतना बड़ा सानिया जो उनके साथ पेश आया था वो। उसके बावजूद भी जापान को आप देखिए आज की तारीख में तो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव नेशन माना जाता है। प्रोग्रेस इस मामले में कि उन्होंने तरक्की इतनी जल्दी की, क्योंकि अभी 50-60 साल पहले बिल्कुल दो शहर तबाह हो चुके थे न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से, और उसके बाद उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करके अपने आप को दोबारा से वो नंबर वन पे आ गए। इस तरीके से मुल्क अपने आप को संवारते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन जहां पे उनकी हिस्ट्री की बात की जाए तो आज भी उनकी हिस्ट्री उतनी ही खौफनाक दर्दनाक खून से भरी हुई है जो पहले हुआ करती थी। कहा जाता है कि बाय नेचर जापानीज भी एक जंगजुई कौम है, जैसे हमारे यहाँ अक्सर हमारे पाकिस्तान में एक मखसूस इलाके को ये माना जाता है कि वो भी बड़े जंगजू लोग हैं, उनका काम ही लड़ना झगड़ना है। इसी तरीके से जापान के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन फाइटर्स विद ब्रेन, ये उनका एक मतलब है। लेकिन इतनी तालीम, इतने शऊर और इतनी सारी अचीवमेंट्स के बावजूद भी जापानीज हॉरर स्टोरीज इतनी खौफनाक होती हैं कि आज तक की जो सबसे खतरनाक हॉरर मूवीज बनी हैं जो कि रियलिटी बेस्ड हैं वो भी जापानीज ही हैं। वेल, ओकिगारा फॉरेस्ट जिसके बारे में अभी हमने सबसे पहले आप लोगों को आगाह किया, इसके अलावा एक ऐसा गांव भी मौजूद है जो कि 2000 तक लोगों से भरा रहता था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने वहां से उस गांव को ही छोड़ दिया, उसके बारे में भी बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सब अपनी हाजिरी लगाएं ताकि हमें पता चले कि कौन कौन हमारा प्रोग्राम सुन रहा है और कौन से शहर से सुन रहा है। अरे पता तो चले कौन से शहर अभी एक्टिव हैं। वेल, जुड़ने के बाद थैंक यू सो मच अलीना जाफरी, आपका शुक्रिया। अरसलान थैंक यू, बिलाल बहुत बहुत शुक्रिया, जवेरिया मिर्जा थैंक यू, एंड फातिमा आपका शुक्रिया, निदा जफर थैंक यू, शुक्रन नाही जमील, तमसीनिया एंड अब्दुल वासे, एक सेकंड रुकिएगा, ओके अब्दुल वासे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर सुपर स्टिकर अब्दुल वासे थैंक यू, एंड अमना खान फ्रॉम कराची बहुत बहुत शुक्रिया, यसिम फ्रॉम कराची ग्रेट, बिग एमर आपका भी शुक्रिया, ऑस्मोसिस थैंक यू, टाइमलेस ग्राफिक आपने द वेलिंग मूवी देखी है? नहीं मैंने नहीं देखी, हाउ इज इट, इज इट गुड? साइमा अजीज मिसिसागा कनाडा से ग्रेट, वेलकम टू द स्ट्रीम, हुमायूं अली आपको भी शुक्रिया, मतीन सरकी थैंक यू, ईशा मोहम्मद फ्रॉम आर ए के यू ए ई, रासुल खेमा ग्रेट, रासुल खेमा वहाँ के भी कड़े बड़े वाकयात मशहूर हैं। वेल द वायरल्स केमिकली इनसेन नुमान अहमद, मेरा पुत्र पूछा कि आप बताइए, मेमेंटस दुबई दाऊद मीर और राबिया इम्तियाज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल जी, सबसे पहले तो माजरत कि कल हम स्ट्रीम नहीं कर सके, जो आज की स्ट्रीम हम कर रहे हैं वो हमने कल करनी थी लेकिन नहीं कर सके, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। एक सेकंड रुकिए, जापान चूंकि एक आइलैंड है तो उसके तीन तरफ पानी है और इसी वजह से वहां के छोटे छोटे शहरों को भी पानी के इर्द गिर्द ही पाया जाता है। एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जिसे गांव के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि सन 2000 तक उस गांव में अच्छी खासी पॉपुलेशन थी इंसानों की। लेकिन ऐसा क्या हुआ
कि वहां से लोग गायब हो गए। होता यह है कि ये कहानी दुनिया के सामने उस वक्त सामने आती है जब 2000 में एक लड़की टोक्यो शहर को छोड़ के अपने उसी गांव की तरफ बढ़ती है अपने वालिदैन की खिदमत करने के लिए, क्योंकि वालिदैन बूढ़े हो चुके होते हैं। और याद रखिएगा, जापान भी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहां पे भी फैमिली ओरिएंटेशन, फैमिली सिस्टम, माँ बाप का ख्याल रखना इम्पोर्टेंट समझा जाता है। ये लड़की अपना पूरा सेटअप शहर को छोड़ के अपने उस गांव की तरफ बढ़ती है जहां उसका बचपन गुजरा था, जहां उसके सारे रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब थे। लेकिन जैसे ही वो गांव जाती है, वो देखती है कि उसके वालिदैन और चंद और बूढ़े लोगों के अलावा उस गांव में कोई बचा ही नहीं। एक अजीब वबा फैलने के बाद हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर्स आए थे इन 1995-96 कि इस जगह को खाली कर दिया जाए। जो यंगस्टर्स थे उन्होंने तो ऑर्डर्स को फौरन मान के वो गांव छोड़ के शहर की तरफ बढ़ दिए। शायद वो चाह भी ये रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने वो घर, वो गांव अपनी मेहनत से बनाया था, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। और उसमें ज्यादातर बूढ़े लोग ही मौजूद थे। बूढ़े ने अपने सारी औलादों को बोला कि तुम लोग शहर की तरफ चले जाओ, हमारा शहर में कोई काम नहीं, हम इधर ही रहेंगे। लेकिन उनमें से भी कई सारे वालिदैन ऐसे थे जो उस जगह को छोड़ छोड़ कर चले गए। जब सन 2000 में वो लड़की अपने माँ बाप से मिलने जाती है, वो देख के हैरान रह जाती है कि जिस गांव की आबादी 10 से 20 हजार लोगों पे थी, अब वहां पे चंद सौ लोग रह गए। घर वैसे ही बने हुए हैं, दरिया वैसे ही बह रहा है, दरख्त वैसे ही है, लेकिन लोग नहीं। जो सड़कें पहले लोगों से भरी हुआ करती थी, अब वो सुनसान है। तो उसने एक अजीब काम की, उस लड़की को असल में डॉल्स बनाने का शौक था, और डॉल्स भी ह्यूमन साइज डॉल्स, मतलब 5-5, 6-6, 3-3, 4-4 फीट की डॉल्स। उसने अपने फारिग टाइम में ये करना शुरू किया। पहले उसने अपने घर के अहाते में 4-5 डॉल्स बनाई, और इस तरह की बनाई कि बाहर से देखने पे आपको लगेगा कि शायद इंसान खड़े हो। फिर उसका ये सारी मेहनत जो है वो बढ़ती चली गई नेक्स्ट डोर, जो और भी घर बने हुए थे वहां पे, जो घर बिल्कुल खाली थे उधर भी लाइफ साइज डॉल्स उस लड़की ने बनाई, और इस तरीके से प्लेस की गई जैसे कोई कभी गार्डनिंग कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई रोड पे बैठा हुआ है। अगर आप उस गांव की तस्वीर देखें तो आपको भी खौफ आएगा देख के। नगारो नामी ये गांव, जिसे नगारो डॉल विलेज के नाम से जाना जाता है, आज भी मौजूद है, आज भी टूरिस्ट ले जाते हैं। लेकिन उस गांव में जाने का सिर्फ यही एक रीजन नहीं कि उस गांव में इंसानों से ज्यादा डॉल्स मौजूद हैं, बल्कि 2005 में आने वाला ये वाकया, जिसकी वजह से ये लाइमलाइट में आया, जब वही लड़की जिसने इन डॉल्स को बनाया था पुलिस को और न्यूज़पेपर को कॉल करके बताती है कि इन डॉल्स में से चंद डॉल्स ऐसी हैं जो रात के टाइम मूव करते हैं। कहानी किसी को समझ ना आए, डॉल्स मूव करती हैं, ये कौन सा गांव है जहां डॉल्स हैं। पहले तो इस बात की तस्दीक की गई कि ये बात हो क्या रही है, वाकया है क्या, जिस पे उस लड़की ने बताया कि मैं इधर रहती हूँ अपने वालिदैन के साथ और मेरा शौक है डॉल्स बनाना, क्रिएट करना, और चूंकि ये गांव खाली होता जा रहा था, खत्म हो चुका था, तो इसको जिंदा करने के लिए मैंने लाइफ ह्यूमन साइज डॉल्स बनाई और जो जो घर खाली थे उनको उन गुड़ियाओं से भर दिया, जिससे बाहर से ऐसा लगेगा कि वो घर आबाद हैं, वो गलियां आबाद हैं, वो मार्केट्स आबाद हैं, यहाँ तक कि वो गांव आबाद। जब ये बात अथॉरिटीज को समझ में आई तो उन्होंने पूछा कि अब बताइए मामला है क्या। वो कहती है कि मैंने कम से कम मैंने तो 300-400 डॉल्स इस 3-4-5 सालों में बनाई, लेकिन उनमें से चंद डॉल्स ऐसे हैं जिनको जिस जगह पे मैं रात को रखती हूँ
सुबह जब मैं जाती हूँ तो वो वहां से मूव करके दूसरी जगह पे मौजूद होती हैं। सबसे पहले इस सवाल का जवाब पुलिस ने इस तरह दिया कि हो सकता है कि कोई और लड़का या लड़की या टूरिस्ट आके ये चीजें करते हो, शरारते करते हो ताकि आप डरें या रहने वाले डरें, या हो सकता है कि आपके गांव का कोई बूढ़ा शख्स ये करता हो। जिसमें उसने बताया कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो सारी गुड़ियां, वो जो बॉल्स हैं उनको मैं जमीन से अटैच करती हूँ, किसी को फर्नीचर से अटैच करती हूँ ताकि वो स्ट्रेट लाइन में खड़े रहें, या फिर जिस तरीके से भी उनको रखा जाता है वो उसी तरह के से रहे। अब जब कहानी इस मोड़ तक जाती है तो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है। शुरू शुरू में अथॉरिटीज को लगता है कि शायद अकेले रहने से और इस तरह के ट्रॉमा से गुजरने से ये लड़की के दिमाग का कोई फतूर है। कई सारे टेस्ट होते हैं जिसमें ये सारी चीजें क्लियर निकलती हैं कि ऐसा कोई माजरा नहीं। फिर रिसर्चर्स की टीम उस लड़की के साथ उस गांव भिजवाई जाती है। कहा जाता है कि उनको एक महीने का ये असाइनमेंट दिया गया कि वो उस लड़की और उस गांव में रहें ताकि वो भी देख सकें कि माजरा है क्या, आखिर ये कौन सी गुड़िया है जो वॉक कर रही हैं, चल फिर रही हैं। वो टीम उस लड़की के साथ उस गांव जाती है। वो लड़की उनको एक घर ठहरने के लिए देती है। वो घर किसी जमाने में उनके किसी रिश्तेदार का था जिनकी वफात हो गई और उनके बच्चे उस गांव को छोड़ के दूसरे शहर चले गए। वो टीम उस घर में रहना शुरू करती है। वो अपने सारे सेटअप्स लगाती है, पैरामीटर्स लगाती है, जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, माइक्स लगाते हैं ताकि उससे पता चल सके कि किसी की प्रेजेंस, किसी की मूवमेंट, कोई आ रहा है जा रहा है। अब होता ये है, एक रात जब ये टीम खाना खा के अपने लाउंज में बैठे होते हैं और अपनी नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उनको आवाज आना शुरू होती है जैसे इनके कमरे के, इनके घर के बाहर कोई चल फिर रहा है। शुरू में इनको लगा कि शायद वो लड़की है, उसका इंतजार करते रहे, लेकिन जब कोई घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ तो उनको अजीब सा लगा। जब ये लोग बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि गांव उसी तरीके से है जैसे मैंने आपको पहले बताया, बेंच लगी हुई है उस पे दो गुड़ियां बैठी हुई हैं, गाड़ी अगर खड़ी हुई है तो गाड़ी को चलाने के लिए जिस तरीके से एक मर्द बैठा होता है या औरत बैठी होती है वैसी वो गुड़िया बैठी हुई है, या दरिया के किनारे दो बच्चे बैठे हुए हैं मछली पकड़े तो वो भी ट्रॉल की ही फॉर्म में। जब ये ग्रुप उस गांव आया था तो उन्होंने इस बात का अपना मजाक बनाया था कि ये किस तरह का गांव है, दिखने में तो खौफ ज़दा होते थे लेकिन अंदर ही अंदर हंसी जरूर आती थी। उस रात उनको ये नहीं मालूम था कि शायद उनका जो मजाक है वो खौफ में तब्दील होने वाला है। कहा जाता है कि रातों रात उस ग्रुप ने वो गांव छोड़ दिया और ये बात अथॉरिटीज की उस फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन में लिखी गई कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या। उस फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन में ये लिखा गया था कि रात गए उस गांव की तमाम डॉल्स एक्टिव थी, ये वो मूविंग और उसी तरीके से जैसे इंसान मूव करते हैं, यहां तक कि कुछ डॉल्स ने इनके घर के दरवाजे तक आने की कोशिश की। जब लड़ाई झगड़ा हुआ और इनको भागने का मौका मिला तो ये लोग उस जगह से भागे। अब ये कहानी जब अखबारों की जीनत बनती है तो एक नेशनल डिबेट बन जाती है और फिर कई तादाद में टूरिस्ट उस जगह की तरफ रुख करते हैं। हुकूमत की तरफ से उस जगह को बंद कर दिया जाता है कि ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम है पाकिस्तान में भी अगर किसी जगह को बोला जाए कि यहाँ नहीं जाना
हम सबसे पहले भूल जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, जिस चीज के लिए मना किया जाए वो वहीं जाता है। आज भी अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें नागोरा डॉल विलेज, देख के आप लोग दंग रह जाएंगे। और अगर कभी आपको मौका मिले तो आप रात में उस जगह पे जाइए, ऐसा लगता है कि वो डॉल्स रात होने का इंतजार कर रही हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी इंसान का इंतजार हो रहता है। आज भी कहा जाता है कि वो डॉल्स मूव करती हैं। वेल, ये दूसरी जगह है नागोरा डॉल विलेज, जिसके बारे में आप लोग मजीद पढ़ सकते हैं और आप लोग को और भी इंटरेस्टिंग वाकयात उस जगह के बारे में पता चलेंगे। तस्वीर हमारे पास मौजूद है लेकिन हम कॉपीराइट के पक्के में नहीं लगाना चाह रहे, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अब्दुल वास्ते करार, थैंक यू फॉर बिकमिंग द मेंबर अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना कोई डॉल अगर आपके बहन भाइयों की कमरे में रखी हुई है तो रात वो जाग जाएगी और फिर आके वो भी करके आपको पिंच करेगी। अच्छा जी, आज हमारे पास एक तो हम जापनीज हॉरर स्टोरीज कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऑडियो टेप्स भी मौजूद हैं जो और लोगों ने अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर किए हैं। एक उनमें से बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी वो सुनना चाहेंगे। जो नहीं सुनना चाहते वो ना सुने, लेकिन हम फिर भी आपके लिए ये प्ले करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अगर आप लोग अपने साथ हुए वाकयात हमसे ईमेल के जरिए शेयर करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे भेज सकते हैं अपने वाकयात। इसके अलावा अगर आप लोग हमारी स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैट के टॉप पे देखिए, एक लिंक पिंट हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग हमारी स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये व्हाट्सएप काशिफ और फातिमा के लवी डवी मैसेजेस के लिए नहीं है, ना कि वो फॉरवर्डेड बहुत सारे जो मैसेज नहीं होते जो अंकल सुबह सुबह करते, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, फूल जैसे चेहरे को मेरा सलाम, ये सिर्फ प्रिसाइसली लेट नाइट हॉरर शो और इस चैनल के लिए। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब चूंकि हमने रिक्वेस्ट कर दिया ना तो अब मुझे पता है कि वो यही होगा। तो खैर, आप लोग अपने वाकयात हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 03111577846 में। वेल, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हॉरर टेप की तरफ और सुनते हैं ये एक अजीब वाकया जो हमसे शेयर किया गया, जरा सुनिए क्या है इसके अंदर ऐसा स्पूकीनेस। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, होप यू डूइंग वेल। मिनाज भाई, आपसे काफी अरसे से मैं एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं आपसे ये स्टोरी कैसे शेयर करूं। दरअसल ये स्टोरी मुझसे मुतल्लिक भी है और मेरे जानने वालों से मुतल्लिक भी है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा, मैं इस वक्त यूरोप के एक हिस्से में हूँ, मैं बताना नहीं चाह रहा कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो मेरे जानने वाले जो थे उनके घर के हालात बड़े अजीब थे और आए गए दिन उनके घर में मसले मसाइल बहुत चलते थे। अब आपको इस चीज़ का पता है कि जो यूरोप का खित्ता है वो नॉर्दर्न अफ्रीका से भी लगता है ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो, और अफ्रीका जो है वो अरब ममालिक से जुड़ा हुआ है। तो बड़ा आसान रास्ता है अगर हम किसी से मदद मांगें अपने हालात को सुधारने के लिए। तो अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो अपने हालात को सुधारने के लिए बजाय सीधे रास्ता
اختیار کرنے کے الٹے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا اب ایک بڑی ہی مشہور کتاب ہے جو اس واقعے سے متعلق ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس کتاب کا نام سے شمس المعارف. یہ اگر کوئی سن رہا ہو تو اس کو پتا ہوگا اس کتاب کا نام, کہ اس کتاب کا مطلب کیا ہے اور یہ کتاب کس نے لکھی اور کس طریقے سے لکھی گئی. تو سننے میں آتا ہے یہ بہت ہی قدیم و پرانی کتاب ہے اور یہ بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے یا نہیں تھے مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا, انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. تو اب اس کتاب میں ایسی چیزیں ہیں منہاج بھائی کہ اس کا میں نے انگلش ورژن پڑھا ہوا ہے, تو میں نے وہ آدھی کتاب پڑھی تھی اور مجھے لگا کہ نہیں مجھے کتاب رکھ دینی چاہیے. میں نے وہ کتاب بس کسی طرح میں نے اس کتاب سے اپنی جان چھڑوائی ہے. اچھا اس کتاب سے مدد جو تھی وہ میرے جو کچھ جاننے والے جو تھے, جو رشتہ دار تھے, جو بھی تھے جن کے حالات خراب تھے, انہوں نے اس کتاب سے مدد طلب کی. حالانکہ میں نے منع کیا تھا کیونکہ مجھے اس کتاب کے بارے میں جو میرے کچھ ٹیونیشینز اور عرب فرینڈز ہیں, جو ایجپشن فرینڈز ہیں, انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ اس کتاب سے رجوع نہ کیجیے گا کیونکہ اس کتاب میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, انسانی عقل و سمجھ وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس کسی کوئی کاہن تھا, پتہ نہیں کون تھا, مجھے سمجھ بھی نہیں آتا خیر ان چیزوں کا زیادہ, تو ان کے پاس وہ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک اس کتاب کا کسی نے بتایا ہے. ان کے کچھ الٹیریئر موٹیوس تھے, کچھ دنیاوی مسئلے مسائل جو تھے, ان کے ڈومیسٹک پرابلمس تھی, میں یہ بھی ڈسکس نہیں کر سکتا, مجبوری ہے. تو انہوں نے وہ ریکٹیفائی کرنا تھا ان کو. اب اس ریکٹیفائی کرنے کے چکر میں انہوں نے اس کتاب سے رجوع کیا, اس کاہن کے پاس گئے. اس کاہن نے کہا کہ یہ بڑی ہی زبردست کتاب ہے, اس میں کچھ ایسے نقش بنانے کے طریقے اور جنوں سے بات کرنے کے طریقے اور اللہ بھلا کرے آپ کا نیکی اور بد دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. اس میں آپ کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے جائز اور ناجائز کام کو پورا کرنے کے لیے کس جن سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے آپ ریچولس پرفارم کر سکتے ہیں یور سیلف ایز ویل اگر آپ ایک کسی کاہن کے پاس نہیں جائے. اینڈ بائی کاہن ہیئر آئی مین میجیشن. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ, ان لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا. میں نے ان کو بہت دفعہ منع کیا تھا مناج بھائی, لیکن وہ لوگ نہیں مانے اس چیز کو. خیر ہوا یہ کہ ان کے گھر میں 3 سال کے اندر 3 جنازے اٹھ گئے. 3 سال کے اندر ان کے گھر میں 3 جنازے اٹھ گئے مناج بھائی. پہلے ان کے بھائی مرے, پھر ان کی بہن مری, پھر ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو بڑے مسئلے مسائل ہوئے اور اینڈ میں انہوں نے, وہ بھی یورپ میں ہی تھی وہ فیملی مقیم جو تھی وہ یورپ میں ہی تھی, کیونکہ یورپ میں یہاں پہ یہ کلچر بہت عام ہے, دین و مذہب کی اتنی سمجھ عقل نہیں ہوتی لوگوں کو, تو لوگ جو ہیں وہ دوسرے راستوں کی طرف چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں. اب ان کے یہاں جب ڈیتھ ہونی شروع ہوئی تو سب کو یہ مسئلہ سٹارٹ ہو گیا کہ ہم نے تو صحیح ریچولس کیے تھے, ہر چیزیں صحیح کی تھی, یہ اچانک کیا ہو گیا. اچھا جب جس وقت میں اس کتاب کو انگلش میں پڑھ رہا تھا, کیونکہ اس کا انگلش ورژن امیزون پہ اویلیبل ہے, میرے خیال سے کوئی 75 یا 80 یوروز کی کتاب آتی ہے یہ. خیر تو جب میں اس کا انگلش ورژن پڑھ رہا تھا تو مجھے باقاعدہ, میں نے ابھی شروع کے 25 پیجز پڑھے ہوں گے اور میں تھک کے سو گیا, تو لٹرلی مجھے خواب میں باقاعدہ دکھایا یہ گیا کہ میں ایک بیچ صحرا میں ہوں. ٹھیک ہے, بیچ صحرا میں ہوں اور بہت ہوا چل رہی ہے تیز اور رات کا وقت ہے اور میں ایک ٹینٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, اور اس ٹینٹ میں میں بیٹھا ہوں, میں اپنا کھانا میرا ایک سائڈ پر رکھا, میں نے تیار کر کے رکھا تھا. میں اٹھتا ہوں, اپنی عبادت کے لیے وضو کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, تو مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت سارے میرے ساتھ
पूरी एक जमात जो है वो नमाज पढ़ रही हो, और मुझे ख्वाब में ये दिखाया जा रहा है, और मैं उनसे डर नहीं रहा, और बाकायदा इस चीज़ को इस तरीके से मुझे बताया गया कि मैं थोड़ी देर के लिए ये सोचने पे मैं इस अचंभे में पड़ गया कि ये मुझे धमकाया जा रहा है या मुझे दिखाया जा रहा है। मैं तो आंख मेरी खुल गई, ख्वाब मैंने घर में किसी को नहीं सुनाया, लेकिन मुझे इतनी समझ अकल थी, मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए इस ख्वाब के हवाले से। फिर ये हुआ मिनाज भाई कि मैंने जो वो इंग्लिश वाली किताब थी वो मैंने अपनी किसी एक ट्यूनेशियन दोस्त को दी, और वो अपने साथ ट्यूनेशिया ले गया उस किताब को। उसने उस किताब का क्या किया, उसको गाड़ा, कुछ किया वॉट सो एवर मुझे नहीं पता आज तक। लेकिन जो हमारे जो करीबी रिश्तेदार थे जिनके पास ओरिजिनल इसका, क्योंकि इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया एक जगह है जहाँ से आपको इसकी ओरिजिनल वर्जन मिल सकता है, और वो ज़्यादा महंगा नहीं है, ये किताब महंगी नहीं है, बहुत आसानी से कोई भी खरीद सकता है। लेकिन तब भी यही है मेरी कि इस किताब को कोई ना पढ़े, जिनका ख़ास तौर पर जिनका दिमाग कमज़ोर हो वो तो इस किताब की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं तो बेहतर है। कमज़ोर दिमाग वालों के लिए और कमज़ोर दिल वालों के लिए ये किताब पढ़ने के लिए भी नहीं है सही, अमल करना तो दूर की बात है। तो और सही प्रोटेक्शन नहीं होती है, आप किसी आलम के पास नहीं गए होते हैं, हर कोई किताब कुछ भी आपके चीज़ हाथ लगे तो आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ये मुनासिब नहीं होता, जिसकी वजह से बाद में जानी नुकसान बहुत होता है। हालांकि मैंने वो किताब तो भिजवा दी थी अपने ट्यूनेशियन दोस्त के हाथों, आज तक मुझे ख्वाब में उस किताब के बारे में बताया जाता है कि आपने सिर्फ इतने ही सफ़े पढ़े हैं, आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा, आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा। मुझसे अक्सर यही सवाल होता है, हर महीने, 6 महीने में, 3 महीने में ये ख्वाब मुझे आता है, मुझसे ये चीज़ पूछी जाती है। तो पता नहीं उस किताब का क्या राज है, वो इंसान ने किताब लिखी है या किसी जिन ने ये किताब लिखी है, व्हाटसएवर, मुझे आज तक इसकी असल मायने नहीं पता चले। लेकिन ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और सबके लिए तंबीह है कि इस किताब से, शम्स अल मआरिफ, इससे बहुत दूर रहें, बेहतर है, चाहे वो किसी भी जबान में हो, अगर आपको समझ आने वाली जबान में भी हो तब भी आप दूर रहें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल इस किताब के बारे में एक तो आपको ये किताब जो है ना अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बहुत बहुत रेयर चांसेस हैं कि मिले, सही है। लेकिन अब मैं एक ऐसी बात बोलूँगा कि आप लोग पीछे लग जाएंगे, मुझे मालूम है, मुझे किसी ने ये किताब भेजी थी, और जो इसकी हिस्ट्री रही है, जिन जिन लोगों ने इसको पढ़ा है और उनके साथ जो जो वाकयात हुए हैं, उसके बाद मैंने सोचा कि यार ना ही पढ़ा जाए तो बेहतर है। ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर इल्म आपके लिए ठीक हो, कुछ इल्म ऐसे भी हैं जो पर्दे में ही रहने दें, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो इंसान ही उठ जाएगा। लेकिन इसकी एक कॉपी मेरे पास मौजूद है। कहा जाता है कि जो भी इस किताब को पढ़ता है उसके साथ अजीबोगरीब वाकयात होते हैं, और सिर्फ उसी के साथ नहीं, उसकी फैमिली के साथ भी, उसकी ज़िंदगी एक 180 डिग्रीज की तरफ चेंज होती है, एंड ये वाकयात कोई अच्छे वाकयात नहीं होते। इतना ही बोलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही इनक्विजिटिव हो जाएं और फिर मांगना शुरू कर दें। खैर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपनी ईमेल्स की तरफ, एंड थैंकफुली कुछ लोग हैं जो टॉपिक से रिलेटेड वाकयात भी डिस्कस करते हैं, अनलाइक आर चैट विच इज़, खैर ज़्यादा चैट को हम भाव नहीं देंगे, हम बल्कि चैट को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। अच्छा है चैट रुक जाए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ, लेकिन उससे पहले ज़रा बैकग्राउंड म्यूज़िक तो डालें। आई होप कि आज हमारी आवाज़ का कोई मसला नहीं हो रहा हो।
मैं आपको एक रियल जापानीज पैरानॉर्मल स्टोरी के बारे में बताता हूँ। इस कहानी का नाम है हिमिजी कासल का भूत। हिमिजी कासल जापान के ह्योगो प्रिफेक्चर में शिफ्ट है में है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर एक भूत के बारे में कई अफवाहें हैं। कहानी के मुताबिक एक पत्थर का भूत यहाँ मौजूद है जो रात में दिखाई देता है। भूत की पहचान ये है कि वो पत्थर की शक्ल में दिखता है और वो हिमिजी कासिल के भीतर घूमता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा और वो भूत उन्हें डराता भी है। हिमिजी कासिल का भूत जापान के भूतों से जल्दी लोकप्रिय कहानियों में से एक है, मतलब उनकी फेमस अर्बन लेजेंड्स में से एक है। वन फेमस जापानीज पैरानॉर्मल इवेंट इज द हाँ ये सुसाइड फॉरेस्ट, ये तो हमने पढ़ ही लिया। खैर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बारे में भी हम सर्च करेंगे कि ये क्या है, किस हवाले से है। अच्छा जी, आप लोग भी अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं और पढ़ते हैं अपनी एक और ईमेल की तरफ। लेकिन ईमेल से, ईमेल के अलावा अगर आप लोग हमारी स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो जापान से ही रिलेटेड हों। अगर तो आप जापान में रहते हैं और उर्दू बोल सकते हैं या हिंदी बोल सकते हैं या फॉर दैट मैटर अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं, तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन इन एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस। वरना अपने जो लोकल वाकयात हैं वो तो आप सुना ही सकते हैं। वेल, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। ये वाकया मेरे हॉस्टल का है। ये हॉस्टल मुंबई इंडिया के मशहूर विमेन कॉलेज से जुड़ा हुआ है और कॉलेज कैंपस में ही है। ये कॉलेज अंग्रेजों के ज़माने में उनके किसी ऑफिसर का महल हुआ करता था और इसकी इमारत बहुत ही पुरानी है। सुना जाता है कि साल 2003 में यहाँ एक लड़की ने खुदकुशी भी कर ली थी। तब से इस हॉस्टल में एक कमरा है जो कि किसी को नहीं दिया जाता। मैंने हॉस्टल में सिर्फ 2 माह बिताए क्योंकि वहाँ जाते ही मेरी तबीयत शदीद नासाज रहने लगी और कुछ अजीब सिलसिले शुरू हो गए। जैसे कि एक शाम हॉस्टल कमेटी ने नए हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज की। ये पहला साल था पेंडेमिक के बाद जब कॉलेज वापस खुल रहे थे, इसी वजह से सारे ही स्टूडेंट्स नए थे। मेरी तबीयत तो उस दिन भी ठीक महसूस नहीं हो रही थी और मुझे उस हॉस्टल की आबो हवा भी कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। मैंने इरादा किया कि मैं अपने हॉस्टल रूम में लौट जाऊंगी जो कि फर्स्ट फ्लोर पर था और ये गेट टुगेदर नीचे एक बहुत बड़े से हॉल में हो रही थी। वार्डन से सभी को सख्त हिदायत थी कि कोई भी लाइट ऑन ना छोड़कर जाए। मैं पहली शख्स थी जो ऊपर आई थी और उस फ्लोर पर बिल्कुल अंधेरा था। इस हॉस्टल में कॉरिडोर के आखिर में एक बैठक के लिए जगह बनाई गई है जहां कुछ बहुत ही पुराना फर्नीचर था। कई कुर्सियां थीं जो कि तकरीबन वार्डन बताया करती थी कि 1800 की इतनी पुरानी थी। वो कुर्सियां भारी थीं और उन्हें हिलाने पर बहुत सख्त आवाज हुआ करती थी। मेरी नजर उस बैठक वाले एरिया पर पड़ी तो मैंने देखा कि एक कुर्सी बीचों बीच पड़ी हुई है और उसके पीठ वाला हिस्सा मेरी तरफ है। मैंने हड़बड़ी में कॉरिडोर की लाइट नहीं जलाई और अपने कमरे में चली गई। मैं दोबारा कमरे से बाहर निकली मुंह धोने तो मैंने देखा कि अब वो कुर्सी कॉरिडोर के आखिरी दरवाजे के पास है और वो कुर्सी साइडवेज फेस कर रही है। मैंने दोबारा ये चीज नजरअंदाज करी और बाथरूम में मुंह हाथ धोते वक्त ऐसा महसूस किया कि कोई मुझे छू कर गुजरा हो जबकि वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। फिर बाथरूम से वापस जब मैं अपने कमरे में जा रही थी तो मैंने अपनी आंखों के कॉर्नर से देखा कि उस कुर्सी पर एक लंबे बालों वाली औरत बैठी है जिसकी शायद उंगलियां हिल रही थी। मैंने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करा और तमाम लोगों के ऊपर आने का इंतजार किया। अगले 10 मिनट में सब ऊपर आ गए। इसके अगले दिन ही मुझे 104 बुखार हो गया और मुझे मेरी खाला जो कि मेरे लोकल गार्जियन भी हैं उनके घर भेज दिया गया।
ये बुखार लगातार 5 दिनों तक बना रहा। फिर मेरी अम्मी ने फैसला किया कि मेरी तबीयत बार बार ख़राब होने की वजह से मुझे वहाँ नहीं रहना चाहिए। ये बात जब मैंने अपने हॉस्टल के दोस्तों से बताई तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि उन्हें भी उस एरिया में एक औरत रात के अजीब पहर नज़र आती है जब वो रात को वॉशरूम यूज़ करने जाते हैं या तो देर रात पढ़ाई के सिलसिले में जाग रहे होते हैं। कहा जाता है कि उस कॉलेज के, उस हॉस्टल के, उस कॉरिडोर के उस जगह पे वही औरत दिखती है जिसने 2003 में खुदकुशी की थी। इंटरेस्टिंग। वेल, जहां हमने एक हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में बात की, वहीं पे हम जापान की कहानियों की तरफ दोबारा रुख करते हैं और बढ़ते हैं एक ऐसे टाउन के बारे में बताते हैं जो कि दोबारा से बहुत चकाचौंध रोशन ज़्यादा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ उस टाउन में कि वहाँ अब कोई नहीं रहता, कोई नहीं आता। वेल, इस गांव, इस टाउन को योनागुनी जीमा गोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है और ये एक फिशिंग और फार्मिंग टाउन था। शायद किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये टाउन, जो कि कभी लोगों से भरा होता था, अब ऐसा खाली है कि वहां की इमारतें जो किसी जमाने में लोगों ने बनाई थीं बड़े प्यार से, वो टूट रही हैं। जो खिड़कियां थीं वो बिखर रही हैं, शीशे हैं जो किरचा किरचा हो चुके हैं, इर्द गिर्द के जंगलात घरों तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक कि उस पूरे टाउन का कुछ इस तरह का नज़ारा हो गया है कि वहाँ इंसान नहीं बल्कि वो मखलूक रहती है जिसे हम देख नहीं सकते। अब जब ये बात और ये टाउन लाइमलाइट में आया तो दोबारा से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम्स को ये अट्रैक्ट करने लगा। कई सारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स या यूथ, जो यंग ब्लड होता है जिसको एक्सपीरियंस करना होता है मुख्तलिफ, उन्होंने इस टाउन की तरफ रुख करना शुरू किया। शुरू शुरू में तो कुछ वाकयात ऐसे पेश ना आए, लेकिन फिर वक्तन फवक्तन वाकयात का सिलसिला बढ़ना शुरू हुआ और वाकयात हमेशा की तरह वही कि बंद कमरों में, बंद इलाके में बच्चों की आवाज़ आना, ऐसा लगना कि देर रात कोई खेल रहा है, किसी को अपने नाम की आवाज़ सुनाई देना, ऐसा लगना कि इर्द गिर्द के जो घर हैं वो रात को वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कुछ लोग रात को आते हैं, चहलकदमी करते हैं, बातें करते हैं। अब इनमें से कई सारे मकानात बंद हैं या फिर वो इस हालत में आ गए कि उधर रहा नहीं जा सकता, तो इसीलिए लोग अक्सर उस जंगल इलाके की तरफ कैंपिंग करते हैं ताकि वहाँ पे वो आराम से रह सकें और रात भर वो गोस्ट स्टोरीज या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर सकें या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें जिससे उनके पास कोई कंटेंट हो या उनकी इस बात की तस्दीक हो जाए कि हाँ, ये वाकई में गोस्ट टाउन है। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि चूंकि नेचुरल डिजास्टर की वजह से लोग यहाँ से मूव आउट कर गए और या फिर इन्फ्लेशन की वजह से लोगों ने इस छोटे से टाउन का छोड़कर शहर की तरफ रुख कर लिया क्योंकि वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी। लेकिन जो लोग इस टाउन में रहा करते थे, बकौल उनके, ये टाउन दिन दिन तक तो ठीक है लेकिन रात में कुछ ऐसे खौफनाक मंजर पेश करता है कि जिसकी कोई हद नहीं। कहा जाता है कि तकरीबन 1901-1902 में एक वाकया पेश आया। इसी टाउन के एक घर में आग लगी और उस आग में जलकर उस फैमिली के 10 लोग मारे गए, जिसमें से 4 बच्चे, 2 माँ बाप, 2 उनके माँ बाप और कुछ सर्वेंट्स थे। आग
اتنی خطرناک تھی کہ پورا گھر اس کی لپیٹ میں آ گیا، یہاں تک کہ صرف گھر ہی نہیں برابر کے ارد گرد مکانات کو بھی ڈیمیجز پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ جلتے ہوئے ان بچوں کی، ان بڑوں کی چیخوں کی آواز میلوں دور تک سنائی گئی تھی۔ یہی آوازیں صرف 1901 کی اس رات تک ہی نہیں سنی گئیں بلکہ آج تک سنی جاتی ہیں۔ بہت سارے پیرانارمل انویسٹیگیٹرز جو اس جگہ جاتے ہیں اپنے ڈفرینٹ اکوپمنٹس لے کے، وہ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ اچانک سے ٹیمپریچر ڈراپ کر جاتا ہے، اچانک سے ارد گرد کے ماحول میں خاموشی ہو جاتی ہے، دن کے ٹائم میں ایسا اندھیرا چھانے لگتا ہے جیسے لگتا ہے بقول ان جاپنیز لوکل کے کہ کسی بری انرجی نے اس پورے ٹاؤن کو گھیر لیا ہو۔ کیا واقعی میں یہ گوسٹ ٹاؤن واقعی میں گوسٹ ٹاؤن ہے، یا پھر صرف چونکہ لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور اب یہ اپنے اسی حال میں موجود ہے جو کہ آج سے 70 سال پہلے تھا، اس کی وجہ سے لوگ اس کو گوسٹ ٹاؤن کہتے ہیں؟ کہانیاں بہت ساری ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا چاہیں تو آپ کو لا تعداد واقعات سننے کو ملیں گے اس ٹاؤن کے بارے میں، ضرور سرچ کیجئے گا۔ ویل، یوناگونی جیما گوسٹ ٹاؤن، پیرانارمل انویسٹیگیشن میں جو بھی جاپان میں کرتے ہیں انویسٹیگیشن ٹیمز، ان کی پرائیورٹی لسٹ میں سب سے نمبر سیکنڈ پہ ہوتا ہے۔ فرسٹ پہ وہی فارسٹ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ کی ہماری اسٹریم ہو چکی ہے آج۔ آپ لوگوں نے، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی کہانیاں، آج کے واقعات، آج کی انفارمیشن پسند آ رہی ہوگی، اور جو بھی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ لوگ خود بھی جا کے ذرا گوگل کیجئے، تھوڑا سا خود بھی پڑھیے، کسی اور کی انفارمیشن پہ اتنا ریلائے مت کیجئے۔ ہم صدیوں سے دوسروں کی بتائی ہوئی باتوں پہ یقین کر کے اندھا دھن ان کو پھیلائے جا رہے ہیں، خود اپنی ریسرچ نہیں کرتے۔ ذرا تھوڑی سی ریسرچ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ انفارمیشن، کوئی بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کو مل جائے، اور اگر مل جائے تو ہمیں ای میل ضرور کیجئے گا۔ انفارمیشن کو جو ہے نا، نالج کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ صندوق میں بند کر دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی، اس پہ کیڑے لگ جائیں گے، ڈسٹ لگ جائے گی، زنگ لگ جائے گا، کائی لگ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا۔ زیادہ بہتر ہے کہ اس صندوق میں رکھنے کے بجائے دنیا میں بانٹا جائے۔ ویل، بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ کالر کی طرف، اینڈ ہو ڈو وی ہیو ہیئر، ایک ذرا چیک کرتے ہیں ذرا۔ عبد القادر اور عمار احمد دو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں میں سے جو سب سے پہلے اپنا مائک آن آف کرے گا ہم اس کو جو ہے آن ایئر کر لیں گے۔ چلیں جی، عمار احمد نے ہمیں سب سے پہلے کیا۔ السلام علیکم عمار۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عمار، کیسے ہیں آپ؟ مناج بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ آپ بتائیے کدھر سے جوائن کیا آپ نے عمار ہمیں؟ السلام علیکم، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، پی سی ایچ ایس بلاک 2 سے۔ اچھا عمار، ذرا زور سے بولیے، آپ کی آواز ذرا ہلکی آ رہی ہے بھیا۔ ابھی صحیح آ رہی ہے آواز؟ ہاں بہتر ہے۔ تو آپ کا میسج مجھے یاد ہے، آپ نے میسج کیا تھا کہ آپ پی سی ایچ ایس بلاک 2 سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ہماری اسٹریم جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی بالکل بالکل ایسی ہے جی۔ کیا بات ہے؟ تقریباً میں آپ کا شو تقریباً اپنے بچپن سے سن رہا ہوں، میرا ایک کزن ہوتا تھا اور میں ہوتا تھا، تو ہم لوگ لائک 10 سال کی عمر سے آپ کا شو ایف ایم پہ سنتے تھے۔ اب آپ یوٹیوب پہ آ گئے ماشاء اللہ سے، اللہ آپ کو اور ترقی دے۔ تھینک یو، تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ تو آپ پی سی جس بلاک 2 میں رہتے ہیں؟ جی بالکل۔ اور یہ پی سی جس بلاک 2 میں آپ کدھر رہتے ہیں؟ ابھی میں بلاک 6 میں رہتا ہوں پی سی ایچ ایس۔ پہلے میں بلاک 2 میں رہتا تھا، اراؤنڈ 3 ایئرس پہلے جب ہمارا اپنا گھر ہوتا تھا تو ہم لوگ ادھر رہتے تھے۔ کچھ واقعات ادھر کے ہی ہیں میرے ساتھ، بتائیے۔ تو سر کچھ ایسا تھا کہ ہماری جوائنٹ فیملی تھی، اور میں ادھر آپ کو پراپر ایڈریس تو نہیں بتاؤں گا بٹ نیئرسٹ کچھ نہ کچھ میں بتا دوں گا۔ تو وہ ماڈل اسکول بڑا مشہور ہے، پہاڑی والا اسکول، اس کے قریب ہی تھا یہ گھر۔ اس کے قریب ایک اشرف میڈیکل ہے، سوسائٹی میڈیکل، تو بس یہ اسی کی گلی کا گھر ہے،
और हमने लास्ट 3 ईयर्स पहले उसको सेल आउट किया है। और मतलब हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, तो फर्स्ट फ्लोर पर मेरे एक अब्बू के ताया रहते थे और सेकंड फ्लोर पे उनके एक बेटे रहते थे। सही। तो अभी हमने उसको जब से सेल किया है, वो ग्राउंड फ्लोर वाला तो परमानेंट रेंट पे चला गया है, बट उसका जो सेकंड बीच वाला फ्लोर जो हम कहते थे, और उसके साथ एक 2 छत्ती थी, तो 2 छत्ती में तो चूहे वगैरह बहुत मामला होते थे तो, और बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी इन चीज़ों ने तंग नहीं किया, मगर वहाँ पे कुछ ना कुछ था, मौजूद था। हमारे घर में एक आम का बहुत बड़ा दरख्त भी था, तो आम का वो जो दरख्त था वो कटवा दिया गया था। उसके बाद से थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें शुरू हो गई थी, मगर नज़र नहीं आते थे, मगर अपनी प्रेजेंस शो करते थे कि हाँ, मैं महसूस होता था कि कोई पीछे खड़ा हुआ है, कोई मौजूद है, कोई हमारे साथ चलता हुआ जा रहा है। तो मेरा बचपन तो उधर मोस्टली उधर ही गुजरा है, तो मेरी बहुत अच्छी वाइब्स भी रही हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ें भी रही हैं। मगर जब से हमने उधर लीव किया, तो अब जो वहाँ पे नए लोग आए, उनका बताना यही है कि वो जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो फॉरन रेंट पे चला गया जहाँ हम रहते थे, और जो बीच वाला फ्लोर था और उसमें 2 छत्ती थी, वो अभी तक रेंट आउट नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे रात में, कहते हैं वो लोग ही बताते हैं कि यार रात में ना शोर बहुत आता है, मतलब कोई चल रहा है, कोई ठोक रहा है कोई चीज़, कोई मतलब ऊपर कुछ काम हो रहा है रात के 3-3, 4 बजे। और जब हम लोग रहते थे तब भी ऐसे ही होता था, मुझे ऐसा फील होता था, क्योंकि मैं लेट नाइट तक जागता था, मेरा ऑनलाइन काम होता था डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, मैं बड़ा जागता था। जब मैं इन चीज़ों को नोटिस करता था तो मैं बोलता था यार छोड़ो, अवॉइड करो, मगर मेरे साथ फिर एक होता है ख्वाब में आपके साथ कुछ सीन्स हो रहे होते हैं घर के रिलेटेड, तो मेरे साथ काफ़ी सीन्स हुए। मैं एक दिन, मैं रात को तकरीबन 3-3:30 का टाइम था, सर्दियों की रात थी, और मैं सोया हूँ, मेरी 1 घंटे की आँख लगी है, 1 घंटे के बाद जो मैं उठा हूँ फौरन अजान हुई है फजर की, और मैंने सिर्फ ख्वाब में इतना सा देखा कि एक क्या नाम है, मैं कब्र पे बैठा हूँ कफन पहन के, और लाइक मैं बिल्कुल डर गया कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ सीन ना। उसके बाद फिर मुझे 2-3, जब घर हमारा सेल आउट हो रहा था, तो उस दौरान मुझे काफ़ी वाकयात हुए कि मुझे मतलब ड्रीम्स, ख्वाब ही ज़्यादातर आते थे, और मतलब प्रेजेंस वो अपनी शो करते थे, जैसे कोई लाइट बंद हो गई, बल्ब का फट जाना किसी कमरे में, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती थी। सुन रहे मिनाज भाई? जी जी आवाज़ आ रही है जी। तो सर ये बस चलता रहता था। अभी जब से हमने उस घर को छोड़ा है, तो हमारे जो नेबर्स थे वो भी रेंट पे थे, मगर वो लोग हमें बोलते थे यार तुम लोग रात में क्या करते हो, थक थक आवाजें आती हैं, नॉक होता है डोर, क्या होता है ऊपर। मैंने कहा यार पता नहीं, कुछ तो होता है, मगर ये पता नहीं कहाँ से आवाज़ आती है। आपने अक्सर देखा होगा ब्लॉक 2 वाले जितने भी गलियाँ हैं उनमें एक गंदी गली होती है, तो हम लोग बोलते थे हो सकता है गंदी गली से आती हो आवाज़। अच्छा, मैंने इन सारी चीज़ों पे, अच्छा एक ब्लैक मैजिक होता है, उसमें मैं बिलीव रखता हूँ कि लोग नज़र जब लगाते हैं तो वो नज़र लगती है लाजमी, तो जॉइंट फैमिली में ये चीज़ें बहुत होती हैं। और क्या नाम है, मैंने इस चक्कर में एक कहते हैं ऊँट की हड्डी होती है कोई, उससे जादू तो ना, और मतलब ये नज़र बद नहीं होती चीज़ें, तो मैंने वो ला के रखी किसी तरह, और वो काफ़ी हैवी थी, वो एक रात में नहीं हो सकती गायब, मगर वो मेरे घर से एक रात में गायब भी हुई। तो आपको क्या लगता है कि आपके उस घर के कौन से एरिया में इस तरह के मखलूक रहती थी, या कभी आप लोग, आपकी फैमिली ने कभी देखा? देखा नहीं है, बट मेरे एक आ, आ, हमारे एक बुजुर्ग हैं जानने वाले हैं पुराने, तो उन्होंने हमें बताया था, हमारे मेरे अब्बू के एक खालू थे, वो उनको अल्लाह की तरफ से गिफ्ट था, वो पढ़ाई वगैरह बहुत करते थे, और उनके पास मोहल्ले के आधे से ज़्यादा बच्चे उनके पास पढ़ने आते थे, उनका मैं नाम भूल गया हूँ, बट उनके पास अच्छी मतलब लोग आते थे पढ़ने, तो वो मतलब जो मेरी मेरे माओ मॉम डैड का जो रूम था ना, बेडरूम, उस रूम में वो पढ़ाई करते थे और वहीं से 12 पढ़ाते थे। तो हमें अक्सर चीज़ें महसूस हुई, किसी ने नॉक कर दिया है तो हमने खोला डर के, तो कोई भी नहीं था, ठीक है, मगर कभी हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस वो जब आम का दरख कटा ना, तो उसके बाद से कुछ ज़्यादा चीज़ें कट होना शुरू हुई। हमारा एक तरह से जो आम का दरख था वो, उसकी जो शाखें थी ना वो टैंक के अंदर तक गई हुई थी,
तो वो इतना बुड्ढा दरख्त है कि उसको काटना नहीं चाहिए था, मगर कुछ आपके घर के बड़े होते हैं जो पता नहीं किस सोच में उसको काट देते हैं। हमेशा है कि बोला गया है कि आप कोई भी दरख्त वाली चीज़ को काट रहे हैं तो उनसे पहले इजाज़त लें, तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं हुआ था इजाज़त लेने का। और बस वो पहले झड़ने आया था, मगर उसकी लकड़ी शायद दरख्त काटने वालों को अच्छी लग गई, पता नहीं किसको अच्छी लग गई, उन्होंने पूरा ही काट दिया। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मार, यही वाकया था, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, चलें बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ, और अब्दुल कादिर अगर अभी मौजूद हैं होपफुली। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, आपने चंद सेकंड लेट माइक ऑन ऑफ किया, इसलिए आपकी दूसरी बारी है, माजरत की, आपको इंतजार करना पड़ा। किधर से ज्वाइन कर रहे हैं? सर मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से, जबरदस्त जी सर, क्या बात, कोई भड़कता हुआ खतरनाक सा ऐसा वाकया सुना दे, रातें हराम हो जाए लोगों की आज। जी जी जी, नहीं ये जो वाकया है मेरे साथ 2011 में हुआ था, मैं लखनऊ में पढ़ता था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग चार पांच दोस्त थे, तो हम लोगों ने कहा कि रेंट पे घर ले लिया जाए, क्योंकि हॉस्टल में रहना थोड़ा सही नहीं था मेस के खाने की वजह से। तो हम लोगों ने कहा खुद से बनाया करेंगे खाना वाना। तो एक घर हम लोगों ने देखा, तो वो घर हम लोगों को बहुत ज्यादा सस्ता मिल गया, मतलब वो 4,000 रुपए में थ्री रूम का घर मिल गया, उसमें सब कुछ अमेनिटीज भी थी। तो हम लोगों ने कहा कि यार इतना सस्ता मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? तो फिर हम लोगों ने रहना शुरू किया, तो फिर वाक्या तब से ही स्टार्ट हुए। एक दोस्त था पंकज, वो आया रहने के लिए, तो बगल में एक घर था, तो उसके कुछ कपड़े गिर गए थे, ऊपर सुखाने के लिए डाला था। तो जब वो लेके आया, उस घर में गया, तो फिर वहां पे कुछ मर्तबान रखे हुए थे जिसमें अचार रखा जाता है, वो घर बंद था काफी टाइम से। तो फिर वो जब लेके चला आया वो मर्तबान, तो फिर स्टार्ट हो गया, जैसे लगता था कि छत पे कोई चल रहा है, और क्या कहते हैं, जैसे हम लोग नहीं थे तो वो अकेला रोटी बना रहा था। तो फिर जो दरवाजे लॉक थे तो सारे खुल गए उससे, और वो जिस टेबल पे रोटी बना रहा था वो हिलने लगी। तो उसने फोन किया हम लोगों को कि जल्दी से आओ वरना मैं मर जाऊंगा। उसको मतलब यानी उसके ऊपर हमला हुआ, मारा पीटा गया उसको उन लोगों ने, और उन लोगों ने कहा कि चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हें मार देंगे। खैर फिर हम लोगों ने फिर चेंज किया वो घर, ये था वाकया सर। और लेकिन आप लोगों के साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ उस दोस्त के साथ हुआ? नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ भी हुआ था, तब चेंज किया था, मतलब उसके साथ हुआ तो उसने उसको तो छोड़ दिया, उसने बताया नहीं था कि उसने सामान लेके आया था वो वहां से। जब पहले हम लोग रहे 3-4 महीने तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब से उस घर में से सामान लेके आया था तब होना शुरू हुआ। मेरे साथ पर्सनली हुआ था, मैं अकेला था, दोपहर के वक्त था, वही 12:15 के करीब, तो दरवाजे बाहर से लॉक कर दिया था मैंने, क्योंकि सारे फ्रेंड्स लोग चले गए थे, डॉक्टर वो MBBS कर रहे थे, तो KGMU हुआ है यूनिवर्सिटी वहाँ पे लखनऊ में, तो उसमें चले गए थे वो लोग। तो मैं अकेला था, तो मैं लैपटॉप पे फिल्म देख रहा था बैठा हुआ, तो मैंने दरवाजा लॉक किया, तो वो दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, और फिर दोबारा लॉक किया फिर खुल गए। तो फिर वो जैसे ऊपर लग रहा था कोई चल रहा है, तो फिर मौलाना साहब को बुलाया गया, तो फिर दिखाया गया, तो उन्होंने बताया। फिर अगल बगल के लोगों से जब हमने पूछा, तो उस घर में मतलब एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन था, बूढ़ा, और उसका लड़का भी मेंटली रिटार्डेड था, तो लोगों ने कब्जा करने के लिए उसको टॉर्चर किया, तो उन दोनों ने उसी घर में सुसाइड कर ली थी। ये हुआ था वाकया वहां पे। ओके। और खैर फिर तो उसके बाद भी हम लोग लखनऊ जाते हैं, तो मतलब उधर जाते हैं, लेकिन उसमें कोई रहता नहीं है, हम लोगों के जाने के बाद से कोई नहीं रहता है, और अभी भी ऐसी खाली पड़ा हुआ है वो। जी जी, अभी भी ऐसे खाली पड़ा हुआ, क्योंकि उस एरिया में हॉस्पिटल्स है ना, तो जो मेरे दोस्त डॉक्टर्स हैं तो उधर रहते हैं, तो मैं पूछता हूँ अक्सर जाके, उन लोगों के पास जाता हूँ मिलने के लिए, तो हम लोग तो उस पे ताला लगा हुआ है अभी तक, मतलब ये 2011 से 2023 चल रही है, आज तक कोई नहीं रहा वहां पे, क्योंकि इतना ज्यादा परेशान हो जाता था सिर्फ उस लड़के की गलती की वजह से कि वो उसका सामान ले आया था उस घर से। ओके ओके, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अपना ख्याल रखिएगा। जी जी अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट चलें जी, अस्सलाम वालेकुम हसीब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बढ़ते हैं अपनी एक और हॉरर टेप की तरफ, एंड लेट्स सी कि ये क्या वाकया है जो हमसे शेयर किया गया है। इससे पहले कि हम ये हॉरर टेप चलाएं, दो अभी भी जापनीज़ हॉरर स्टोरीज़ के हवाले से हमारे पास अभी भी मौजूद हैं, जो कि हम इन्हीं 2 घंटों के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक है एक ऐसा होटल जो कि 1972 में बना, और 72 से 1980 के अंदर ही वो बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्या हुआ, रीज़न तो सबको मालूम है कि आग लगी थी, लेकिन आग लगने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आज तक उस जगह को तोड़ा नहीं जा सका। वो बिल्डिंग, वो जगह अभी तक वैसे के वैसे ही इंटैक्ट है, वहाँ कोई जाता नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई सफाई नहीं होती, कोई मेंटेनेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी टिल डेट वो उन पहाड़ों पे कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है। लेकिन उसके बारे में, और फिर एक ऐसा मेंशन, एक ऐसा मकान जापान के टोक्यो शहर के बीचों बीच मौजूद है, जिसे जापान का मोस्ट हॉन्टेड हाउस कहा जाता है। और उसको मोस्ट हॉन्टेड हाउस कहने की उसकी वजह उसका माजी है, जो कि 1800 में कुछ ऐसा वाकया पेश आया जिसके बाद से आज तक ना वो घर टूट सका, ना कोई उसे तोड़ सका, बल्कि जो भी उस घर के करीब जाता है उसकी मौत वाकई हो जाती है। ये दो वाकयात हैं जो कि हम अपने इसी स्ट्रीम में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक ऑडियो टेप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या वाकया जो हमसे शेयर किया गया है। अस्सलाम वालेकुम मिनाज, मेरा नाम हसन बवाद है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ या यूएई गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी में। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इस स्टोरी का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आई डोंट बिलीव इन सुपरनैचुरल या जिन, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ आवर फील्ड। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको हम समझते हैं कि ये कुछ शायद पैरानॉर्मल है, लेकिन इसकी एक उनकी एक साइंटिफिक बैकग्राउंड होता है। तो ये स्टोरी भी कुछ इसी किस्म की है, और दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम वन ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम बीबीसी, और मैंने थोड़ा सा उसमें अपना कुछ अपनी जो मेरी नॉलेज है उसको ऐड करने की कोशिश की है। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले 2-3 साइंटिफिक फैक्ट्स। नंबर वन ये कि साउंड जो होती है, आवाज जो होती है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और इंसानी कान जो होता है वो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी होगी तो हम नहीं सुन सकते। 20,000 से ऊपर होती है तो वो अल्ट्रासाउंड कहलाती है, जिसका हम सबको पता है, और 20 से जो कम होती है वो हमारा कान नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ते सुन सकते हैं, तो वो उनको यूज किया जाता है। और ये जो साउंड होती है इसका इफेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी पे भी होता है, आंखों पे भी होता है, कानों पे भी होता है। इसी फ्रीक्वेंसी पे आप फील करते हैं, चिल्स फील करते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन वो आवाज हमको सुनाई नहीं देती है। उसका सोर्स उस आवाज का कुछ भी हो सकता है। ओके, सो और दूसरी चीज वो ये कि हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है जिसपे वो वाइब्रेट करता है अगर उसको डिस्टर्ब किया जाए। हमारी ह्यूमन कान की भी होती है, आंखों की भी होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी की होती है। इसका एग्जांपल एक ये है कि अगर हम कभी कई मरतबा हमने एक कहानी सुनी है कि हम किसी गार्डन में झूला खुद ही मूव कर रहा था, तो एक्चुअली वो झूले की लेंथ ऐसी होती है, उसकी जो रोप होती है उसकी लेंथ इतनी होती है कि उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, और वो उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपको नजर आना शुरू हो जाती है। हल्की सी कोई हवा भी होगी तो वो ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देगी बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी। इसी तरीके से आपने कहानी सुनी होगी कि तानसेन ने गाना गा के ग्लास तोड़ दिया, तो इसका क्या बैकग्राउंड? इसका बैकग्राउंड फिर अगेन द सेम थिंग, नेचुरल फ्रिक्वेंसी। जो गाने की आवाज थी उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो उस ग्लास की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच करती है, और उसकी वजह से रेजोनेंस का फिनोमेना पैदा होता है, और वो रेजोनेंस जो है वो उस ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है ऑफ लार्ज वेवलेंथ, और वो ऑब्जेक्ट टूट जाता है। ऐसा करना वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन एनीवे दिस इज द साइंटिफिक फैक्ट। ओके, सो अब मैं आता हूँ स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है फ्रॉम 1983, यूनिवर्सिटी ऑफ कोवेंट्री।
यूनिवर्सिटी ऑफ कोवेंट्री की एक लैब है जिसके प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर विक ट्रेंडी, और ये स्टोरी उन्हीं की जबानी है। तो जो उस लैब में वो काम करते थे, उस लैब के कुछ जो क्लीनिंग लेडीज थी, उन्होंने कहा कि हमको इस लैब में भूत नजर आता है, कुछ जिन नजर आता है, कुछ सुपर नेचुरल चीज नजर आती है। और साथ साथ उनके कुछ और जो कुलीग्स थे उन्होंने भी इसी किस्म की बात की। तो डॉक्टर साहब जो थे वो उनको ये समझ में नहीं आया कैसे कैसे हो सकता है, और उन्होंने इस बात को डिसमिस कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। एनीवे रात को वो कुछ काम कर रहे थे तो उनको ऐसा फील हुआ कि उनके पेरिफेरी में कोई शेडो मूव कर रहा है। साथ साथ उनको अपने गर्दन के सारे जो बाल थे वो चिल्स फील हुई और गर्दन के सारे बाल खड़े हो गए, और उनको वो हाइपर वेंटिलेट भी करना शुरू हो गए। और साथ साथ उनको नजर आया कि उनके पीछे कोई है। जब उन्होंने मुड़ के देखा तो वो उनके सामने वो जो शेडो था वो गायब हो गया। तो ऑब्वियसली वो काफी घबरा गए ये सब कुछ देखकर। तो उसी वक्त उन्होंने अपना सब सिस्टम बंद किया और उन्होंने उस लैब से दौड़ लगा दी और अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे वो दिन में वापस आए तो उनको कुछ जो अब जो कुछ काम करना था, तो उनको एक कोई मेटल स्ट्रिप थी, उस मेटल स्ट्रिप में कुछ होल्स करने थे। तो उन्होंने वो मेटल स्ट्रिप जो है वो अपने लैब में, उनके एक वाइस था, उस वाइस में होल्ड किया। तो जैसे ही उसको होल्ड किया तो वो स्ट्रिप जो है उनके नजर के सामने वाइब्रेट करना शुरू हो गई, मतलब वो मूव करना शुरू हो गई। इसको आप ऐसे समझें कि अगर हम एक रबर बैंड लेके उसको दोनों साइडों से स्ट्रेच करें तो वो वाइब्रेट करना शुरू होती है। तो उस तरीके से वाइब्रेट करना शुरू हो गई वो मेटल स्ट्रिप, जैसे गिटार। तो ये, और एट द सेम टाइम उनको वही सारी फीलिंग्स फिर वापस आना शुरू हो गई जो उनको कल रात फील हो रही थी, कि कोई शेडो मूव कर रहा है, चिल्स आ रहे हैं, और उनको अलग फील हुआ कि उनके गर्दन के बाल फिर से वैसे ही एकदम खड़े हो गए हैं, और सर्दी लगना शुरू हो गई है, शेडोज नजर आने लगे हैं। तो उनको लगा कि ये फिर से ऐसा कैसे हो सकता है, तो उनका वाकई में क्या यहाँ पर कोई गोस्ट है। लेकिन सिंस ही इज अ साइंटिस्ट, सो उनके जहन में ये बात आई कि ये अगर वाइब्रेट कर रही है ये स्ट्रिप जो है मेटल की, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। इसको कहीं ना कहीं से कोई ऐसी एनर्जी मिल रही है, साउंड या एनर्जी किस किस्म की मिल रही है जिसकी वजह से ये वाइब्रेट कर रही है। सो उन्होंने बीइंग अ साइंटिस्ट उन्होंने प्रोब करना शुरू किया कि फ्रीक्वेंसी कहाँ से, कोई कोई एनर्जी का सोर्स क्या है उस एनर्जी का। तो वो एक उन्होंने मीटर उठाया जो साउंड और फिर एनर्जी को डिटेक्ट करता है, फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है साउंड की। उनको सबसे ज्यादा शक साउंड पे ही था, और उन्होंने डिफरेंट जगहों से मेजरमेंट्स लेना शुरू की। तो जब वो एक उनका एक एग्जॉस्ट इंडस्ट्रियल फैन था, वो जब उसके करीब पहुंचे तो उसमें वही फ्रीक्वेंसी मिली जिस फ्रीक्वेंसी पे वो मेटल स्ट्रिप वाइब्रेट कर रही थी। सो उन्होंने पहले चेक कर चुके थे कि वो जो मेटल स्ट्रिप है वो 19 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रही है, और 19 हर्ट्ज इज अ फ्रीक्वेंसी दैट वी कैन नॉट हियर एज अ ह्यूमन। सो वो उससे ज्यादा पे उस पे वाइब्रेट कर रही थी, और उनको एग्जैक्ट डिटेक्ट हुआ कि वो जो इंडस्ट्रियल फैन है इट्स प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑफ 19 हर्ट्ज। तो उनको ये लगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी और वो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिप की है वो मैच कर रही है, जिसकी वजह से वो स्ट्रिप रोटेट वाइब्रेट कर रही है। सो उन्होंने जस्ट टर्न ऑफ द फैन, और जैसे ही उन्होंने फैन को टर्न ऑफ किया एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल। वो जो जो उनको फील हो रहा था चिल्स और जो शेडोज, वो सब अचानक गायब हो गए, और वो जो स्ट्रिप थी वो वाइब्रेट करना रुक गई। तो उन्होंने डिटेक्ट किया ये कि द रीजन ऑफ दैट स्ट्रिप टू वाइब्रेट इज द फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दैट इंडस्ट्रियल फैन, और उसको हटाते ही सब कुछ खत्म हो गया। फिर उन्होंने इसी चीज को डिस्कस किया विद सम मेडिकल पीपल। तो उन्होंने बताया कि 19 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी हमारा कान तो डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमारी आईज डिटेक्ट कर सकती हैं। और इसका इफेक्ट ये होता है कि आई स्टार्ट्स टू वाइब्रेट, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और अप एंड डाउन, और इससे आपको फील ये होता है कि आपके पेरिफेरी भी कोई चीज मूव कर रही है। इसका इफेक्ट जो आपका ब्रेन सेंस करता है वो ये कि आपकी पेरिफेरी भी कोई चीज मूव कर रही है, इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कोई शेडो है और कोई शेडो मूव कर रहा है। और साथ साथ ये कि ये जो फ्रिक्वेंसी है इट अफेक्ट्स योर साइकोलॉजी, योर ब्रेन फंक्शन ऑल्सो, आप हाइपर वेंटिलेट करते हैं, चिल्स फील होती हैं। तो ये सारी चीजें वो फ्रिक्वेंसी करती है, वो 19 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जो आपका कान डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर हम कंपेयर करें कुछ स्टोरीज से जो हम सुनते रहते हैं, उसमें इसी किस्म की बातें लोग सुनते हैं, तो देर मे बी अ रीजन के वहां पर कोई ऐसा सोर्स हो साउंड का जो कि
इस किस्म की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है जिसका इफेक्ट लोगों पे ये आ रहा है, और इट्स जस्ट अ साइंटिफिक फैक्ट, और उसका कोई ताल्लुक भी पैरानॉर्मल से नहीं है। सो दिस इज माय इनपुट टू योर शो। आई होप आप इसको शामिल करेंगे। इट मे बी अ लिटिल हार्ड फॉर समबडी टू अंडरस्टैंड हु इज नॉट फ्रॉम साइंसेस, लेकिन आई थॉट इट इज अ इट कैन बी अ गुड कंट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एक अलग पर्सपेक्टिव देने का। जैसे कि मैं हमेशा अपनी स्ट्रीम पे बताता आया हूँ कि बड़ा आसान है, सबसे आसान काम ये है कि कोई भी चीज़ को आप देखें और आपको लगे कि वहम आपके वहम में आता है ना, सबसे पहले कहानियाँ जो जन्म लेती हैं वो आपके जहन में लेती हैं कि जिस घर में हम जा रहे हैं उस घर के बारे में आपने पहले सुना होता है, या फिर एक प्री कंसीव्ड दिमाग के साथ जा रहे होते हैं कि यार आप फ़र्ज़ करिए आप किसी एक घर में जा रहे हैं या किसी एक दफ्तर में जा रहे हैं, उस दफ्तर वो दफ्तर है 10वीं मंजिल पे या 7वीं मंजिल पे, और बिल्डिंग में आप एंटर हो रहे हैं तो बिल्डिंग का जो मेन कॉरिडोर है वो खाली है। एक तो वैसे ही बहुत सारे लोगों के साथ स्पेशली पाकिस्तान में क्लॉस्ट्रोफोबिक अफेक्ट उनको बड़ा इम्पैक्ट करता है, लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो उस क्लॉस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट को परसीव इस तरीके से करते हैं कि वो कोई जिन आ गया, भूत आ गया, हैवीनेस होना शुरू हो गई, हमें दम घुटना शुरू हो गया। हालांकि उसका ताल्लुक साइंसी बुनियादों पे होता है, मेडिकल रीजंस की वजह से होता है, लेकिन चलें और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग जब नई बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, नए घर में दाखिल होते हैं, तो उनको एक वैसी हमारी बचपन से ही हमें कहानियाँ इस तरह की बताई गई हैं कि नए घर में एक फैमिली गई और उनके साथ ऐसा हुआ। तो जब ऐसा सुनते आ रहे होते हैं बचपन से ही, तो फिर आपके दिमाग में भी होता है क्या नए घर में आए हैं, पता नहीं इस जगह के बारे में हमें मालूमात नहीं है, कुछ हो भी रहा है, कुछ है, कुछ ये घर खाली क्यों था। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई घर ले रहे होते हैं या दफ्तर ले रहे होते हैं तो आप ये ज़रूर पूछते हैं, हालांकि इस सवाल का कोई तुक नहीं बनता कि घर खाली क्यों था। अरे भाई खाली था, कोई रीज़न हो सकता है ये पता पूछना। लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव कॉल थी, बहुत ही इंफॉर्मेशन थी इसके अंदर। अगर जो लोग इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई हमें जिन्नात अच्छे लगते हैं, हम भूत चुड़ैल इनके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, हमें वो जो एड्रेनलिन रश मिलता है ना खौफ का वो पसंद है, तो हम ये सारी साइंसी बातें, भाई ये साइंसी बातें हैं ये भैया बेकार होती हैं, इनकी कोई तुक ही नहीं है, इनका कोई तुक ही नहीं है, बस ये बात हम कह के जो ना बात को रद्द कर देते हैं। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को लेके आप लोग अगर रिसर्च करें, पढ़ें, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज, जो आपके वो सवालात हैं ना उनके जवाब आपको मिलेंगे। वेल, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कहानी की तरफ, और ये नेक्स्ट कहानी जो है ये भी हमारी आज की ही जो स्पेशल स्ट्रीम हम कर रहे हैं जापनीज हॉरर स्टोरीज की, उसी हवाले से है। अभी तक हमने आपको तीन ऐसे जगहें बता दी जापान की जो कि कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा खौफनाक ख़तरनाक जगहें हैं। मतलब एक तो नाम इतने मुश्किल है ना जापनीज के, बार बार देखना पड़ता है कसम से, और मैं शायद हो सकता है नहीं कंफर्म मैं बोल रहा हूँ कि मेरी प्रोनाउंसिएशन भी इनको लेके गलत ही होगी, तो अगर ऊंच नीच हो रही है तो माफ़ कर दीजिएगा। मुझे मालूम है कि आप लोग माफ़ तो नहीं करेंगे, लेकिन मजाक कम उड़ाइएगा। खैर, एक था ओकीगारा फॉरेस्ट जो कि सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है, दूसरा है नागोरो डॉल विलेज, एक ऐसा गांव, ऐसा विलेज जहां इंसान नहीं डॉल्स रहती हैं, और ऐसी डॉल्स जो रात को मूव करती हैं। वैसी आपको पता नहीं आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको गुड़ियाओं से डर लगता है, मैं उनमें से हूँ, और उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड्स प्ले से नहीं है। याद है 80s में एक हॉरर मूवी आई थी चाइल्ड्स प्ले, जिसमें एक डॉल होती है चकी और वो बदला लेना शुरू कर देती है। वैसे मुझे ये खौफ आता है जब मेरी बहनों की, हम जब छोटे थे
और एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ पे वालिदैन ग्राउंड फ्लोर पे होते थे और बच्चे यानी कि मैं और मेरे बहनें फर्स्ट फ्लोर पे अकेले होते थे रात के टाइम पे। और मेरी बहन का कमरा और मेरा कमरा बिल्कुल बराबर बराबर में था, और चूंकि एक ही एसी था तो बीच में एक दरवाजा था जिसको रात को खोल दिया जाता था, और वो एक कमरा दो कमरे बन जाते, नहीं दो कमरे एक कमरा बन जाता था, और वो फिर ठंडी हवाओं का रुख हमारे कमरे तक भी आता था। लेकिन जहाँ उस दरवाजे का ये फायदा था कि हमारा कमरा ठंडा होता था बहनों के साथ साथ, वही नुकसान ये था कि बहन के कमरे में लाइन से गुड़ियाएं रखी हुई थी, और उनमें से जितनी गुड़ियाएं थी वो इतनी खौफनाक थी, इतना डर लगता था मुझे रात को। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं जैसे भी सोऊं जिस हालत में भी सोऊं मैं बीच में ज़रूर उठता हूँ, मेरी आंख दो तीन दफ़ा खुलती है, मैं उधर उधर उठ के देखता हूँ, टहलता हूँ, खाना पानी वानी पिया, बाथरूम किया, फिर वापस आके लेटता हूँ। तो उस वक्त भी यही होता था, उस वक्त मेरी उम्र शायद 10, 11, 12 साल होगी, और मैं इस खौफ से नहीं उठता था कि आँख खोलूंगा तो सामने नज़र मेरी उस गुड़िया पे पड़ेगी, जिससे सबसे ज़्यादा मुझे खौफ आता था। और मुझे डर ये था कि बस मैं आँख खोलूंगा और वो गुड़िया बिल्कुल मेरे सामने खड़ी होगी, और उसकी आंखें पलक रही होंगी, पलक रही हूँ, पलक झपक रही होगी, या वो अपनी गर्दन यूँ मूव कर रही होगी। सोचिए अभी आपके कमरे में एक गुड़िया रखी है, रात को आप सो रहे हो और अचानक से आपकी आंख खुले तो आपके मुंह के सामने खड़ी हो। मुझे मालूम है कुछ लड़कों के ऐसे हालात हैं, वो ये ख्वाहिश भी रखते होंगे कि काश मिनाज भाई कोई नहीं तो गुड़िया ही सही। लेकिन ये हंसी मजाक अपनी जगह पे, जिस दिन आपके साथ हुआ ना तो आप बेबी डॉल बन के रह जाएंगे। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाक्य की तरफ, और ये वाक्या है नागासुकु होटल नामी एक जगह के बारे में, जो कि एक पहाड़ी इलाके पे बनाया गया है। उस शहर का नाम इतना मुख्तलिफ है, इतना मुख्तलिफ है कि मुझसे प्रोनाउंस ही नहीं होगा, इसलिए मैं कोशिश ही नहीं कर रहा। तो ये 1972 में उस इलाके को लोगों से भरने के लिए, वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा सा होटल बनाया जाता है, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। ये जगह बड़ी हसीन है, इसके चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच से रोड गुजर रही है, और फिर पहाड़ के बाद जब ज़मीन ख़त्म होती है तो वहाँ से फिर दरिया बहना शुरू हो जाता है। एक परफेक्ट आइडियल लोकेशन जहाँ आप अपनी वेकेशंस गुजार सकें। ये होटल 1972 में बनता है इस कैलकुलेशन के हिसाब से कि अब इस जगह के बनने के बाद यहाँ पे एक्टिविटीज़ यानी टूरिज्म बढ़ना शुरू होगा। लेकिन ठीक 8 साल के बाद एक ऐसी आग लगती है जो पूरे होटल को राख करके रख देती है। कम से कम नहीं तो कहा जाता है कि 200 से 250 लोगों की अमवात उस आग में जलकर हो गई। वैसे ही हुआ जैसे इससे पहले वाले वाक्य में हमने आपको बताया था कि उन लोगों की जलती हुई बॉडीज लोगों ने उस पहाड़ से गिरती हुई देखी हैं। यहाँ तक के चीखों पुकार की आवाज इतनी थी कि लोगों ने अपने बच्चों के कान बंद कर दिए थे। खौफ ऐसा फैल चुका था, डर ये था कि ये आग जो इतनी मीलों तक अब फैल चुकी है कहीं शहर और उस टाउन की तरफ ना आ जाए। किसी तरीके से उस आग पे काबू पाया गया, कई दिन लगे, कई महीने लगे उस ऑपरेशन क्लीनअप को करते हुए, जिसमें कई सारी डेड बॉडीज जो आपस में जुड़ चुकी थीं, कई सारे फर्नीचर, कई सारे कारपेट्स, कई सारे दीवारें, मार्बल, जितना भी सब कुछ था वो सब जल के राख हो चुका था। उसके बाद से कहा जाता है कि टिल डेट वो बिल्डिंग आज भी वैसे ही उस पहाड़ की चोटी पे मौजूद है। कई दफ़ा हुकूमत की जानिब से उसको गिराने की कोशिश की गई, लेकिन जितने भी मजदूर उधर गए उन सब ने वापस यानी कि लौटते वक्त ये शिकायत सबसे कॉमन रही कि हर किसी को वहाँ पे आज भी जलने की स्मेल आती है, ऐसा लगता है कि कोई अभी भी जल रहा है। कई सारे मजदूरों का कहना ये है कि उन्होंने जलती हुई डेड बॉडीज देखी। कुछ लोगों का मानना ये है कि वहां पे जो आग
1980 में लगी थी, और उस आग से जो लोग मारे गए थे उनकी रूहें उस जगह पे आज तक भटकती हैं। जब ये वाकयात पब्लिक की नजर में आए तो वही हुआ जो आज से अभी से 3 पहले वाकयात में हुआ कि लोगों ने उस जगह का रुख करना शुरू कर दिया। बिल्कुल मोहम्मद नसर, आपने ठीक कहा, बल्दिया फैक्ट्री कराची में भी एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसमें 300 से ज्यादा लोग जल गए थे, बल्कि शायद मुझे लगता है कि मैंने नंबर गलत बताया, इससे ज्यादा लोग जल के मर गए थे। और उसके बाद से ये बल्दिया फैक्ट्री के बारे में भी मशहूर है कि जो रात को उधर से गुजरते हैं उनमें से कई सारे लोगों ने बताया कि वहां से ऊंचे चिल्लाने की, रोने धोने की ऐसी आवाजें आ रही होती जैसे कोई जल रहा हो। वैसे ही इस होटल के बारे में भी कहा जाता है। कई सारी यंगस्टर्स, कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों को जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं इस बिना पे कि उनको ये पता चला है या आवाम की तरफ से ये प्रेशर आया कि ये जगह हॉन्टेड है, जब वो लोग उधर गए तो उन्होंने वही कॉमन तरीन चीजें जो हर ऐसी हॉन्टेड जगह पे होती हैं, टेम्परेचर ड्रॉप, फिर जलने की स्मेल आना, फिर चीखने की आवाजें सुनाई देना। जो सबसे मशहूर वाक्य है उस होटल का वो ये है कि जलने के ठीक 10 साल के बाद यानी कि 1990 में एक फैमिली उस गांव की तरफ जाती है अपनी वेकेशंस करने के लिए। मियां बीवी और दो बच्चे उनके होते हैं। रात के टाइम पे दोनों बच्चे सो जाते हैं। मियां को बड़ा शौक होता है इस होटल को एक्सप्लोर करने का। उनको शायद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में मालूमात हासिल करना हमारी तरह और आपकी तरह शायद दिलचस्प लगता था। अपनी बीवी को बताए बगैर वो रात के किस पहर अपने होटल से निकल गए ये किसी को पता नहीं चला, और वो डायरेक्ट रात के 2 या 2:30 बजे के करीब उस होटल के अहाते तक पहुंच जाते। जो उनके साथ वाकयात पेश आए वो इंटरनेट पे कई सारे फोरम्स पे मौजूद है। बताया जाता है कि रात के 2:30 बजे का वक्त था, ये उस जंगलात उन पहाड़ों से उन रोड से टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से होते हुए उस जगह तक पहुंचे, उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां पे वो होटल बना हुआ है। ना तो वहां लाइट है, ना ही कोई सिक्योरिटी है, तनो तना पहाड़ की चोटी पे एक अंधेरे में डूबा हुआ खौफनाक होटल जिसके माजी के कई सारे वाकयात मशहूर थे। ये सब सुनने के बावजूद वो साहब उधर पहुंच गए। कहते हैं कि उनको शायद इस बात का यकीन नहीं था कि यहाँ से किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। उनको लगता था कि हो सकता है कि चूंकि ये एक लेजेंड बन चुकी है, एक मिथ बन चुकी है इस इलाके की, तो लोगों जो वहां रहते हैं उन्होंने कुछ इस तरह की शरारतें करना शुरू की हैं ताकि जरा टूरिज्म बढ़े। ये अपने शर्लॉक होम्स के चश्मे पहन के उस जगह पे जाते हैं कि किसी तरीके से हम सच्चाई ढूंढेंगे। कहते हैं कि जैसे ही मैं उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचता हूं तो शुरू से ही एक ईरी फीलिंग आना शुरू होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत ही खौफनाक वाकया इधर पेश आ चुका है। और बिल्कुल सही बात है, 300-400 लोग जल कर मर गए थे। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे जैसे मैं उस होटल की तरफ बढ़ता रहा तो मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ कि होटल के अंदर जो खिड़की दरवाजे टूटे फूटे मौजूद थे उधर से बहुत सारे साए गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अंदर रहते हैं। पल भर के लिए उनको लगा कि शायद गरीब लोग हैं जिनके पास घर मकान रहने के लिए नहीं है, वो इस जगह पे रहते हैं। ये सोच के वो हॉस्टल की उस बाउंड्री के अंदर चले गए कि शायद उनको होमलेस लोग नजर आए। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी होती है कि जैसे उसको आग ही नहीं लगी हो।
चलें, हो सकता है कि लोगों ने वक्त के साथ साथ उस जगह को, उस चीजों को, जो भी बचा कुचा सामान था उसको चोरी करके ले गए। जो कम्युनिटी थी वो उसकी सफाई करती हो, या जिसका वो होटल था वो शायद उसकी सफाई करता हो, लेकिन अभी वो ये सब देख ही रहे होते हैं कि उनको पहली मंजिल पे बहुत जोरदार चीखने की आवाज सुनाई देती है, ऐसी चीख जिसे लगता है कि कोई आग में झुलस रहा हो। ये आवाज, ये चीख इतनी खौफनाक और इतनी दर्दनाक थी कि नॉर्मली अगर आप किसी को चीखते हुए सुने दर्द में तो आप उसकी तरफ भागें, लेकिन ये चूंकि चारों तरफ अंधेरा था, खामोशी थी, पीछे इस होटल के एक पूरा बैगेज था इस तरह की हॉन्टेड हॉरर वाकया था, ये साहब बजाय अंदर जाने के होटल से बाहर निकलते हैं। कहते हैं मैं होटल से बाहर निकल रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं बाहर निकल रहा हूँ वो चीखने की आवाज मल्टीप्लाई होती जा रही है कि एक नहीं कई सारे लोग चीख रहे हैं। और जब वो बाहर निकल के पीछे पलट के देखते हैं तो देखते हैं कि उस पूरी पहली मंजिल पे कई सारे लोग खड़े हुए हैं जिनमें से आग निकल रही है, मतलब लोग जल रहे हैं। कहते हैं ये मंजर जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन आया कि जो लोग यहाँ पे वाकयात बताते हैं वो दुरुस्त हैं। कहते हैं मैं भागते भागते अपनी गाड़ी में पेट्रोल स्टार्ट करने की कोशिश करूँ, गाड़ी स्टार्ट ना हो, और ऐसा लगे कि गाड़ी के इर्द गिर्द भी कुछ मौजूद है जो अपनी मूवमेंट का एहसास दिला रहा है। कहते हैं किसी तरीके से मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मैं उन कच्चे पीटे अजीब टेढ़े मेढ़े रस्तों से होता हुआ शहर तक पहुंचा। जब शहर पहुंचे और एक लोकल कैफे था जो खुला हुआ था वो वहां पे गए, शायद इनके होटल के नीचे ही था, वो गए उधर चाय पीने, पानी पीने, बियर पीने, शराब पीने, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो जो बार पे बारटेंडर बैठा हुआ था उसने जब इनकी हालत देखी तो इनसे पूछा कि आखिरकार हुआ क्या, जिस पे उन्होंने बताया कि मैं नागासुकू होटल से अभी आ रहा हूँ। जिस पे सुनने के बाद उसने पहले तो कोशिश की कि इस कॉन्वर्जेशन को उधर ही ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन बार बार बताने पर उसने ये फिर पूछा कि आखिर हुआ क्या, जिस पे उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे 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 वाकयात हुए। तो उस बारटेंडर ने कहा कि आप शुक्र करें कि आप बच गए, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इसी शहर के जिनका आज तक पता नहीं है कि वो कहाँ गए। आखिरी लोकेशन उनकी वही होटल थी जिधर से अभी आप लौट रहे हैं। आज भी वो होटल उन्हीं टेढ़े मेढ़े रस्तों से होते हुए पहाड़ी की एक चोटी पे नजर आता है। आज भी लोगों का मानना ये है कि रात गए उस होटल से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसे लोगों की आवाजें जो शायद जल रहे हों। वेल, क्या टाइम हो गया भैया, पूरी 151 हो गए। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। भैया अगर पसंद आ रहा है तो काइंडली अपना हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। पता नहीं लाइक क्यों नहीं करो, लाइक करें। उस्मान नईम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर सुपर स्टिकर, थैंक यू। अच्छा जी, नागासुकू, नकागासुकू, हाँ नकागासुकू, वही मैं कह रहा हूँ ना यार, इसकी प्रोनाउंसिएशन इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है। ये हमने लिखा हुआ भी था यहाँ पे, पता नहीं हमने चलाया कि नहीं चलाया, चलाया था नहीं चलाया, ये ना नकागा नकागुसू, पता नहीं है, जो भी है अब आप लोग देख सकते हैं हमने ये टाइप कर दिया। वेल, अभी भी हमारे पास एक हॉरर टेप मौजूद है जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। यूएन, अगर आपको आवाज आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मनाज जी? ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आपका नाम सर?
मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता अपना, वैसे मैं पर मैसेज कर चुका हूँ आपको, पर मैंने नाम चेंज कर लिया, अच्छा पर मुझे इट्स मुझे तो पता है आपका नाम क्या है, मुझे तो समझ आ गया। हाँ, मुझे आपको बिल्कुल ऊपर आ रहा होगा अच्छा जी जी ज्वाइन, जी सॉरी आपकी आवाज कट रही है, सॉरी। मैं कह रहा हूँ किधर से ज्वाइन किया आपने हमें? मैं पहले भी हमारी बात हो चुकी है, मैं स्टॉकहोम में रहता हूँ स्वीडन में। एक्चुअली ये टॉपिक से रिलेवेंट है जी। आप हैंड फ्री लगाए हुए हैं? जी मैं निकाल दूँ? हाँ प्लीज हैंड फ्री हटा दीजिए डायरेक्ट। ओके ओके हेलो जी, इज इट बेटर नाउ? जी जी बेहतर है। अच्छा एक्चुअली ये टॉपिक से रेलेवेंट तो नहीं है, रेलेवेंट यही है कि मेरी वाइफ जापानीज है, बट ओके उससे अलग अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी स्टोरी ऐसी है कि बैक इन 2009 टू 11 एक एज होती है जब आपको, आप बहुत छोटे होते हैं तो आपको नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, जैसे नेगेटिविटी, गलत लोगों की सोबत और इस तरह गलत लोगों से मिलना तो आपको अट्रैक्ट करता है। तो हम बच्चे थे तो चीज़ें सुनना शुरू करी, जैसे म्यूज़िक, आप आजकल आपको सुना ही होगा, मैं थोड़ा सा ये हमारी यूथ के लिए भी मैसेज है कि अगर आप ये जो बच्चे आजकल बड़े हो रहे हैं नए नए, कि फ्री मेसन और पेगनिज्म और सैटनिज्म और ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, ये फॉर द टाइमिंग बहुत अट्रैक्ट तो करता है बट ये लॉन्ग रन के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डेंजरस है, बिकॉज इस चीज़ का मारा हुआ मैं हूँ, ये इन चीज़ों ने मुझ पर अटैक किया, मैंने स्टडी किया सेटेनिक बाइबल और क्या कहते हैं, मैं रिलीजन से हट गया था, खुदा खौफी ख़त्म हो गई थी, अच्छा तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मैं जब आप मैं आपको वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि बस ये छोटे मोटे बैंड्स होते हैं लिंकिन पार्क वगैरह, इनसे स्टार्ट किया था सुनना, सुनते सुनते मैं काफ़ी आगे बढ़ गया, फिर मैं ब्लैक म्यूजिक, डेथ मेटल और ये सब आपको पता ही है, सब पाकिस्तान में रहते हुए की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सही तो इन दैट उन दोज डेज मुझे फिर इसी तरह मिलते मिलते एक ऐसे बंदे से मुलाकात हुई हुई मेरी, जिसको एक बाहर के मुल्क से, प्रॉब्ली जर्मनी से, पाकिस्तान भेजा गया। जिस तरह मैं रिलीजन को बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं करता क्योंकि सब अलग अलग सेक्ट के लोग सुन रहे हैं, बट वो उस एक हमारे एक फिरका है जो तबलीग, आपको पता ही है वो तबलीग करते हैं, तो उस बंदे को बाहर से भेजा गया था कि पाकिस्तान में आके तुम काम करो और ये सेटनिज्म पेगनिज्म स्प्रेड करो। तो अच्छा, मेरी और अब उससे ये जो, कराची की बात कर रहे हैं? जी मैं कराची की बात कर रहा हूँ, उससे मेरी फ्रेंडशिप हुई और उसने मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ में इंडल्ज कर दिया कि मैं खुद नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला अल्लाह ताला के अगेंस्ट हो गया, मैं एंटी क्राइस्ट चीज़ों में पड़ गया, कि जैसे ये जो वीजी बोर्ड वगैरह आपकी, मैंने लास्ट स्ट्रीम भी देखी, वो भी देखा था आपका इंटरव्यू, वो जो आप एक पॉडकास्ट में गए हुए थे, आप बता रहे थे वीजी बोर्ड वगैरह के बारे में, आई थिंक तो वो भी उन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें करी मैंने। खैर आपको पता है अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, बिल्कुल। जब वो पड़ती है तो फिर आपको पता है चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। तो बस फिर एक सर्टेन टाइम आया, उसके बाद फिर मुझे वो चीज़ें मुझ पे हावी होना शुरू हो गई क्योंकि उसने मुझे वो चीज़ें मेरी तरफ, मुझे उन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दिया उसने मेरा मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। फिर मैंने सेटनिज्म के बारे में पढ़ना शुरू किया, रिलीजन्स पढ़ना शुरू करे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स, व्हाट इज़ मोनोथियस, मोनोथियस क्या होते हैं, पॉलीथियस क्या होते हैं, सेटनिज्म क्या है, पेगनिज्म क्या है। आजकल के बच्चे जो उठ के बोल देते हैं हम फ्री मेसन हैं, हम इल्यूमिनाटी हैं, ये दैट इज नॉट अ रियल थिंग, वो एक बहुत पीछे की चीज़ है। मैं अभी उसे भी एक हमारे चैट पे ना किसी हैं, उन्होंने लिखा ये इल्यूमिनाटी हो गए। एक तो बस तो एक वो जो वर्ड क्या पता चल गया, इल्यूमिनाटी, हर किस पे हर चीज पे लग जाता है, ये इल्यूमिनाटी है। ये इल्यूमिनाटी आपको पता होना चाहिए कि इल्यूमिनाटी क्या है, और मैं बताना नहीं चाहता वो क्या, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्योंकि मैं अब जिस लाइफ में रह रहा हूँ वो लोग मेरे चारों तरफ ही हैं। सही। ठीक, बट वो इतना ज्यादा हावी हुई कि एक वक्त नहीं, ऐसा आपके साथ था पहले ये तो बताएं हुआ कैसे, क्या मतलब आपने किया क्या, किस तरीके से वो बंदा आपको, और ये क्या बंदा लोकल था या नहीं, जर्मन, ये जर्मनी था?
जर्मन था। जर्मन था लेकिन बाय बर्थ जर्मन था, बट उसको उर्दू और मल्टीपल लैंग्वेजेस आती थी। मैंने इतना नॉलेजेबल बंदा अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि अच्छा उसको दुनिया की हर जबान आती थी। आप और हम खुश होते हैं तो यार, आप हम बर्थडे फॉर एग्जांपल, आपकी बर्थडे आप सेलिब्रेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं? बाहर अच्छी जगह जाके खाना खा लेंगे। उस बंदे को अगर सेलिब्रेशन करनी होती थी ना तो वो उस अपने फेस पे पियर्सिंग कराता था, उसके पूरे फेस पे पूरी बॉडी को मिला के तकरीबन शायद 109 110 पियर्सिंग्स थी। सही। और वो पियर्सिंग कराता था, उसका ऐसे स्टार्ट हुआ था। हम लोग गेमिंग करते थे, जैसे ऑनलाइन आप प्ले स्टेशन पे गेमिंग, गियर्स ऑफ वॉर और ये वो, उस तरीके की गेमिंग गेम्स होते थे। हम उसके थ्रू कनेक्ट हुए थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब लोग, हम लोग ऑनलाइन गेमिंग करते थे। वहाँ से हमें पता चला कि कराची का एक अपार्टमेंट है, वहाँ वो रहता है डिफेंस के अंदर। वो फिर मिलने के लिए आया, वहाँ से हमारी दोस्ती, फिर अपने घर लेके गया। फिर उसने मुझे बताया कि ये भी लाइफ होती है, ऐसे भी होता है। आहिस्ता आहिस्ता बहुत बहुत स्लोली आपकी लाइफ में वो इंडल्ज होना शुरू हो जाते हैं, पॉइजन की तरह उतरते हैं कि ये म्यूजिक सुनो, ये नया आया है, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड एक सॉन्ग भेजूंगा, आपने सुना ही होगा, उसके अंदर लिटरली अजान है, आप यकीन करेंगे? वो पता है मुझे, मतलब वैसे बहुत सारे गाने जिसके अंदर अल्लाह अकबर बोला गया है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े बैंड्स हैं, बड़े मतलब एक तो दुनिया का सबसे मशहूर तरीन गाना है, दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर तरीन गाना है, उसके अंदर भी आपको एक कुरानिक वर्ड मिलेगा पूरा। बिल्कुल कुरानिक वर्ड्स है, बिल्कुल। वो सारे बैंड में सुनता था, नाउजुबिल्ला, खैर ये सब चीजें मैं उन सब चीजों में पढ़ा था। मैं इसको फखर से नहीं बता रहा, मुझे शर्मिंदगी है इस चीज की, बहुत शर्मिंदा ये। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप डीप फॉरेस्ट की बात करें, डीप फॉरेस्ट उस बैंड का नाम जिसके गाने के आखिर में अजान आती है। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत डिफरेंट है, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड में बल्कि आपको लिख के भेज देता हूँ, सुनिएगा। ये मैंने आपको भेज दिया, इसके कुछ सर्टेन पॉइंट के ऊपर है आके ना, तो वहां पर वो मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग इसमें शामिल हो जाए गुनाह। ठीक है ठीक है, हाँ तो अपनी कहानी पे आ जाए। हाँ चले, हम तो खैर मेरी तो मुलाकातें हुई, आहिस्ता आहिस्ता मेरी लाइफ में इंडल्ज होना शुरू हो गया, ये म्यूजिक सुनो ये म्यूजिक सुनो, हमारे पर कॉम्पिटिशन होते थे कि मैं ये नया निकाल के लाया हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लैक म्यूजिक की तरफ ले गया, फिर उसने हमें प्रीच करना शुरू किया, हमें पता भी नहीं चला कि हम मुस्लिम से एकदम से पेगनिज्म की तरफ भी आ गए, कि ये एक बैंड है शागरत, उसका सिंगर है, एक बैंड है क्या कहते हैं बेहमत नाम है उसका, ये बैंड सुनो। अब आप उनका गिग देखें, उनका कॉन्सर्ट देखें, कैसे है कि वो वन नाइट को फॉलो करते हैं, सामने बकरा का सर लगा हुआ है, ठीक है, उसकी एक आंख फूटी हुई है, उस पर खून डाला हुआ है, और वो गाना गा रहे हैं, और नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपको पता है उनका मतलब जो ऐसी बातें नहीं करेंगे, ऐसी बातें नहीं करेंगे, हाँ वही वही मतलब सॉरी फील होना शुरू हो गए मुझे, मतलब वो आप कहेंगे कि वो जो नेगेटिविटी है ना, वो म्यूजिक सुन सुन के, चीजें पढ़ पढ़ के, वो मुझे फील होना शुरू हो गए। मैं गाड़ी में भी अकेला बैठता था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कोई कान में बात कर रहा है या करना चाहता है। मैं अकेला गाड़ी में नहीं बैठ सकता था, मैं अपने कमरे में नहीं बैठ सकता था। उसका आखिरी लास्ट 10 days ऑफ माई लाइफ, जो कि मैंने शायद अभी डिस्कस नहीं किया, मेरी वाइफ भी सुन रही है अभी फोन पे, उसको भी नहीं पता शायद ये चीज, लास्ट 10 days जो थे ना मेरी लाइफ के, वो इतने डिफिकल्ट थे कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरी अभी भी सांस फूल रही है। कि वो आखिर में मेरा ये हल था वो चीज़ें पढ़ने के और सुनने के बाद, कि वो 10 दिन जो मेरी लाइफ के ना, वो ऐसे थे कि मैं एक रात नहीं सोया, मैंने एक निवाला नहीं लिया, मैंने किसी से बात नहीं की, मैं सिर्फ अपनी माँ के लैप पे सर रख के रोता था और बोलता था मुझे सिर्फ माँ आधे घंटे की नींद दिला दें, वो चीज़ें मुझसे बात कर रही हैं, मुझसे बात करना चाहता है कोई, मेरे कान में आवाज़ें आती हैं, बोलते हैं। और किस तरह की आवाज़ें आती थी? जैसे मतलब कि कोई हमसे बात करो, मतलब वो उनके एक रिचुअल्स हैं, उसने मुझे समझाया था कि आपको रिचुअल्स, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर लाइफ, तुम्हें शैतान को अपनी जिंदगी देनी है, उसके बदले में तुम्हें वुमेन वेल्थ एंड वाइन WWW जो रूल है, तुम्हें ये सब मिल जाएगा। और वो मुझे प्रोसीजर नहीं पता था कि कैसे है, शायद वो अल्लाह की बेहतरी थी, मैं उस तरफ नहीं गया, शायद मैं पूछा नहीं उससे, वो मुझे इनडायरेक्टली फोर्स करता था दोस्त मेरा। तो
वो 10 दिन जो है ना मेरी लाइफ के ऐसे थे, मैं अपनी अम्मी को बोला मुझे सुना दें, फिर एक अल्लाह के बंदे ने कहा कि यार सुबह फजर की नमाज पढ़ और अल्लाह से माफी मांग, तेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मैंने वही किया, मैंने एक दिन फजर की नमाज पढ़ी, मेरी लाइफ थोड़ी सी बेहतर हुई। उस दिन मैं सोया, मैंने जितने लॉकेट्स थे, जितने भी मेरे गले में पेंटाग्राम्स थे, एंटी क्राइस्ट के लॉकेट्स थे, और जो भी सटैनिक चीजें थी वो मैंने सब उठा के उनको तोड़ा और जला के फेंक दिया। उस दोस्त को तो खैर फिर कुछ लोगों को पता चल गया था, फिर उसको मारने की, आपको पता है वाजिबुल कत्ल तो फौरन ही धमकी आ जाती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, किसी को भी बना देते। अव्वल तो था ही वो वाजिबुल कत्ल, लेकिन यार खुदा के वास्ते ये ना अच्छा, बोलो नाउज यार। बिल्ला नाउज बिल्ला नहीं, मतलब जो भी था एक्स वाई जी, वो जैसा भी था उसको धमकी आने लगी तो उसको वापस भेज दिया गया वहां से, वो भाग गया। बट ये बहुत ट्रेजेडिक टाइप की मेरी लाइफ में स्टोरी थी, ये जो आप मैंने, कब कब की बात कर रहे हैं, कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये बैक इन 2008 टू 10-11 की बात समझा रहा हूँ मैं आपको। ये शख्स मूवीज तो नहीं बना रहा था उस जमाने में? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, बट वो मैंने ऐसा जिंदगी में कोई बंदा नहीं देखा अपनी लाइफ में, ना मैं किसी से मिला ऐसा। वो करता भी हो सकता है शायद, मूवीज बनाता हो, बट जो उसके घर का एटमॉस्फेयर था और ये गंदी चीजें, मतलब अभी भी ऐसी चीजें हो रही हैं। अभी मुझे रिसेंटली अभी कुछ बच्चे मुझे मिले थे वहां पर, उनको कोई लड़के मिले इसी तरीके के कराची पाकिस्तान के अंदर, जो उनको ये सब चीजें बता रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े उनसे, मैंने कहा भाई मैं भुगता हूँ उसका। मैं आपको मतलब एक, आपको पता है डार्कनेस एक सिंबल है, मैं मानता हूँ उस चीज को कि ये डार्कनेस का मतलब जो है वो नेगेटिविटी ही है। तो मेरी आज भी मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, वो चीजें, मैं मुझे लगता है कि वो जो चीजें मेरे साथ हो रही थी वो अपना निशान छोड़ के गई है। मेरी आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े पैचेस हैं ना उस एज के अंदर से, आज तक मुझे कुछ 10-12 साल हो गए कि काले बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं। ये डार्कनेस का सिंबल है, क्योंकि मुझे लगता था कि ये डार्कनेस, जो भी चीज जिस चीज में डार्कनेस आ जाती थी ना, मुझे पसंद आ जाती थी कि यार मैंने ये करना है, इसमें डार्कनेस होना चाहिए, काले कपड़े पहनना, काले नेल पेंट्स लगाना, जिसको अब यार बच्चे काले कपड़ों पे बोलते ना बोलो, मुझे बोलने लग जाएंगे लोग मैं पहनते ही काले हैं कपड़ों। अब ऐसा भी लेकिन नहीं है यार। ये डार्कनेस का उनका सिंबल है ना, कोई भी आई थिंक मेरे हिसाब से ना ये सब जो है ना सिंबल्स और ये सब चीजें तो चले हैं वो, क्योंकि ये सारी चीजें एक फिजिकल प्रेजेंस के तौर पे दिखाई जाती है ना, लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो है इट्स इन द ब्रेन, कि वो मेंटालिटी। आपके आपके ब्रेन में घुस के वो इस तरीके से एग्जैक्टली उसको वो मोल्ड डाउन कहते करता हैं ना, नहीं, पाक कराची का वर्ड बोलूंगा जो शपाटर बॉयज बोलते हैं, अल्टर है, करता है ना दिमाग आपका, अल्टर अल्टर। तो फिर वो अल्टर होने के बाद दिमाग ऐसा हो जाता है। लेकिन थैंक यू यूएन, मैं भी आपका नाम लेने वाला था, बचत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक यू कि आपने अपना इतना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। मैं चाहूंगा कि किसी दिन आप डिटेल में बताएं कि क्या क्या हुआ, क्योंकि मैं आप प्रॉपरली आपको राइट डाउन करके बताऊंगा, क्योंकि मैं एक्साइटेड भी हूँ। बट मैं एक एक मैसेज बच्चों को देना चाहूंगा, जो भी यूथ हमारी सुन रही है, कि प्लीज प्लीज कोई भी आपको किसी भी इस तरीके के काम पे लगाए या किस तरीके का आपसे कांटेक्ट हो, नेगेटिविटी की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, प्लीज मत जाएं। इसका हल बहुत गंदा है, इसका इसका एंड जो है ना बहुत गंदा है, वो मैं भुगत चुका हूँ। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी मैं किस जबान में बता सकूँ आपको, कि इसका एंड जो मुझे मिला ना, वो मैं आज तक भुगत रहा हूँ। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद से, चलें, बहुत मुश्किल है ओवरकम बहुत करना। सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू। और देखिएगा, देखिए जब मैं आपको ना एक आपकी स्ट्रेंथ बताता हूं, आपकी स्ट्रेंथ जो है ना वो ये है कि आपने अपनी जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट था ना उसको पहचान लिया, ये आपकी स्ट्रेंथ है। कि आपको पता है कि आपने क्या चीज गलत की है, क्या आपके साथ गलत हुआ, और आपने उसको समझ लिया कि अच्छा ये मेरा प्रॉब्लम था। 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है। वो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी यहाँ करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी यू करते हैं, कभी, और जिंदगी उनकी इस तरह गुजर जाती है। इन योर केस आपने एक एक्सट्रीम देखा और आपको रियलाइज हो गया कि अगर मैं इस एक्सट्रीम तक चला गया और तो बस फिर उसके बाद डाउन द हिल ही जाना है। तो आपने जो अपने आप को अल्टर किया ना अपनी जिंदगी को, जी उसके बिल्कुल, बाद सो अब आप ऑन द ट्रैक है, यू शुड फील पावरफुल। पावरफुल। सही है, सो यू आर। मेरे साथ एक और दोस्त था उस टाइम पे, मैं निकल आया था, लेकिन वो उसी में है आज तक।
बट वो रुसवा है, आप यकीन करें वो रुसवा है। आज तक मेरी उससे बातचीत नहीं होती। वो पाकिस्तान का ही लड़का था, बट वो अभी मैं उसकी हालत देख के आया हूँ लास्ट। वो लिटरली उसको ना उसके घर वाले उससे बात करते हैं, ना वो अपने घर में रहता है। वो दिमागी मरीज हो चुका है, अल्लाह ठीक रहम है। करे, अल्लाह रहम करे। और आप यकीन करें, लिटरली वो लास्ट एग्जाम्स उसने जब दिए थे मेरे साथ, मुझे याद पड़ता है, मैंने इतनी अच्छी अंग्रेजी किसी की नहीं देखी। वो इंग्लिश में फेल हुआ है, इंग्लिश में फेल हुआ है वो, आप यकीन करें। तो अल्लाह पाक, मैं वही बात करूंगा, अल्लाह पाक की लाठी बेवास है, जब वो पड़ती है तो बहुत जोर से पड़ती है। अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इन बुरी चीजों से, सोबतों से बचाए और चले, आसानी थैंक से सके। थैंक यू यू, मिनाज भाई, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप भी, अल्लाह। अच्छा जी, ये सारी कॉलर की अपनी इंटरेस्टिंग बातें तो चली रही थी, लेकिन हमारे चैट पे ना चंद लोग हैं जो फतवे जारी कर देते हैं, जैसे कि अंबर अली ने, उन्होंने कहा कि ब्लैक अट्रैक्ट्स जिन। किसने कह दिया, कहाँ से आ गई ये बात, कहाँ से तस्दीक की आपने ये बात, जरा बताइए मुझे कि ब्लैक अट्रैक्ट्स जिन। इस तरह तो अफ्रीका के सारे लोग ही फिर जिन ही हैं। मतलब ये कैसे आपने, मतलब इसकी कोई मुझे रेफरेंस दें, रेफरेंस और देखा आप, क्योंकि रेफरेंस आपने पब्लिकली ये बोला है ना कि ब्लैक अट्रैक्ट्स जिन, मुझे रेफरेंस दें। जो आप रिलीजियस रेफरेंस अगर देना चाहती हैं वो दीजिए, साइंसी रेफरेंस देना चाहती हैं वो दीजिए, दीजिए जरूर। अब भाग मत जाइएगा और ऐसे नहीं बोलेगा कि वो बस मुझे पता है, ये वाली बात नहीं। रेफरेंस जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक बड़ी इंफॉर्मेशन आप दे रही हैं अपनी तरफ से। वो इंफॉर्मेशन को जरा बताएं भी तो कि ये आई कहाँ से। ऐसी तो नहीं ना, बस आपने चैट पे बोल दिया चार लोग कल से बेचारे काले कपड़े पहनना बंद कर देंगे। जरा देखें तो कि आपके पास ये जो आई है इंफॉर्मेशन, ये कहाँ से आई है, किधर से इसने जन्म लिया, कौन से जिन ने आपको आपके कान में आके बताया कि बहन काले कपड़े नहीं पहनना, हम आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, बताएं मुझे। अब अंबर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बहुत, मेरा फेवरेट कलर है, उसको आपने कह दी कि वो जिन्नात का रंग है, जिन्नात उससे अट्रैक्ट होते हैं। हमसे तो कभी ना हुआ, हमसे कोई इंसान अट्रैक्ट नहीं हुआ, जिन क्या खाक अट्रैक्ट होगा। तकरीबन कितने, 2 घंटे 10 मिनट की हमारी स्ट्रीम हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आज की स्ट्रीम आप लोगों को पसंद आई होगी। आखिर के लिए, बिल्कुल आखिर के लिए, हमने एक इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी बचा के, तब डिपेंड ये करता है कि क्या हम अपना प्रोग्राम ख़त्म कर दें या फिर एक हॉरर टेप की तरफ बढ़ें। चलें पहले एक हॉरर टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें भेजी गई है। छोटी सी हॉरर टेप है, उसको सुनते हैं और उसके बाद उस वाक़े की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमने उस लास्ट हॉरर मेंशन के बारे में आपको बताया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हॉरर टेप की तरफ एंड लेट्स सी कि क्या वाकया है जो हमसे शेयर किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है और मैं इस्लामाबाद की रिहायशी हूँ। मेरा बचपन मियांवाली में गुजरा था, जहाँ पर एक बहुत बड़ी और एक ऐसी हवेली थी जिनमें जिन्नात रहा करते थे। और मैं बने अपना बचपन पूरा उसी हवेली में गुजारा, उसी हॉन्टेड हवेली में गुजारा, क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार जॉइंट फैमिली में रहा करते थे और वो सब कोई ऑलमोस्ट 15 साल तक वहीं पर रहा है सब। और उससे पहले वो है उस हवेली में हिंदू लोग रहा करते थे और ये माना भी जाता था कि उसकी उनके कमरों में और उनकी वॉल्स में उन्हें उनकी औरतों को चिनवाया गया है। एक बहुत बहुत ज्यादा स्केरिंग बात थी। जब मैं वहां रहा करती थी तो मैं ऐसी चीजें महसूस किया करती थी कि जब मैं कमरे से निकला करती थी तो मुझे साया महसूस होते थे कि मेरे इर्द गिर्द हैं। और इवन कि जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई, उसके बाद जब जब मैं अपने गांव जाती थी, वहां पर जब हम सो रहे होते थे, वो हवेली इतनी बड़ी थी कि उसमें बहुत बड़े बड़े हॉल्स थे, तो हम हॉल्स में जब जाके सोया करते थे तो वहां पर
जब मैं सोए सोए सो रही हो, होती थी तो मेरे पैरों को कोई ना कोई टच करता था, मेरे बालों को खींचता था, तो मुझे पूरी बॉडी पे कोई ना कोई टच कर रहा होता था। और मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे दे इस समवन के जो मुझे टच कर रहे हैं और कुछ ऐसा है, और कोई इवन की कि मेरे कोई भी नहीं होता था। सो फॉर वन टाइम मैंने ऐसा किया कि मैंने कहा जाके मैं देख के आती हूँ कि ये बेसिकली है कौन। सो मैं उठी और मैं जाके देखा, मैंने उस चीज़ को फॉलो किया, उसमें सेंस किया उसको, और मुझे सेंस के थ्रू में फॉलो किया। और मैंने क्योंकि आवाज़ भी सुना करती थी कि ऊपर छत पर रात के ऑलमोस्ट 2 or 3 o'clock तक कोई ना कोई भाग रहा होता था, मतलब इतनी इस टाइम में कोई ना कोई भाग रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है कि मतलब इस टाइम में कौन भाग रहा होगा, सब सो रहे हुआ करते से। तो मैं गई जब ऊपर जाके देखा तो वो आवाजें बंद, और मैं जैसे ही सीढ़ियों से इधर कदम नीचे कदम रखती थी तो वो आवाजें दोबारा शुरू हो जाती थी भागने की, और जैसे मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती थी और वो आवाजें खत्म हो जाती थी, और बहुत ही स्कैरी था। ये मेरा दूसरा वाक्य है कि मेरा एक कज़न था जो कि सेकंड कज़न था, और उसके अंदर जिन्नात थे, उसमें जिन्नात इस तरह से आए थे कि वो कुछ लड़के जो हैं वो बेसिकली मियाँ वाली के करीब एक गाँव में रहा करता था वो, और कुछ जो लड़के हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे उस मैदान, वो बहुत मैदान बहुत पुराना था, उसमें दरख्त भी थे वो बहुत पुराने थे, और उसमें से एक बेर का दरख्त था जिसके जिस पर जिन्नात जो हैं वो रहा करते थे यार, अपना ठहराव बनाया हुआ था उन लोगों ने उसे। तो वो लड़का जब उस बेर के दरख्त के पास गया, उसने जाके वहाँ पर जो है वो जो है वहाँ पर उसको चढ़ानियाँ की, वो बेर के दरख्त पे चढ़ गया और उसने वो बेर वहाँ से खाने शुरू कर दिए, और उसने उस उधर अच्छी तरह से हरकतें की जिसकी वजह से वो जिन्नात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए उससे, और जो है मतलब उसे डिस्टर्ब होने की वजह से उसको भरोसा किया और उसके अंदर वो जिन्नात चले गए, और वो बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब तरह से वो रिएक्ट कर रहा था, और उसकी आंखों में भी अजीब एक अजीब उसकी आंखों में सन्नाटा था, उसकी आंखों में कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, कोई एक इमोशन नहीं था उसकी आंखें, जैसे बिल्कुल एम्प्टीनेस थी उसकी आंखों में। और वो जब घर आया, उसको जब घर लेकर आया उसके दोस्त, तो जब वो घर आया तो उसने अपने बाप को भी बहुत बहुत जोर का धक्का दिया कि उसके बाप दीवार में जाके लगा, उसने अपने भाइयों को भी उठा उठा के फेंक के मारा, और अपनी बहन जो कि अपनी उसकी बहन जी जो कि उससे 2 साल छोटी थी उसको जो है वो उसके करीब आई संभालने के लिए कि उसको वो उठा सके कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसने भी उसको उठा बालों से उठा के और ऑलमोस्ट पंखे पर लटका दिया उसे विद दी हेल्प ऑफ रोप, और जो है वो उसे घुमाया फुल पंखे के ऊपर, जो कि काइंड ऑफ फनी देख सकते हैं, इसको सीरियसली ना लिया जाए तो वो उस टाइम पे बहुत बहुत स्केरी था कि वो अपनी बहन को इस तरह से मारा था कि उसको फंदा लगा कर। लेकिन ये था कि उसके अब्बा जान उठे और उन्होंने इसको सब कुछ सेट किया, और वो ऑलमोस्ट उस टाइम से इसी तरह है, और इसके अंदर रिसेंटली उसके अंदर से जिन निकाले गए थे, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी बहुत वीक है और स्टिल वो जिन्नात आ सकते हैं उसकी बॉडी में, दैट्स व्हाट के मौलवी शौलवी ने कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एंड बस आपने ज़रा स्पीड में एक सांस में आपने बताने की कोशिश की, वो हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है, रिकॉर्ड करना आसान काम नहीं होता, चैट पे बुरा भला कहना आसान होता है, अपने वाक़े को आवाज़ की फॉर्म में रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी हमारे लिए मेहनत की, थैंक यू सो मच। चले जी बढ़ते हैं अपनी उस वाक़े की तरफ जो कि हमने आप लोग के लिए बचा के रखा हुआ था बिल्कुल आखिर के लिए, लेकिन उससे पहले जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हो सके तो आप लोग हमें सुपर चैट सुपर स्टिकर्स भी भेज सकते हैं जो हमें हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो हमें इजी पैसा और जैस कैश भी ट्रांसफ़र कर सकती है 03111577846। बढ़ते हैं अपने इस वाक़े की तरफ।
टोक्यो जो कि जापान का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर है, टोक्यो के बीचों बीच एक ऐसा मेंशन मौजूद है जो कि आज तक खाली है। और आज तक से मुराद ये है कि 1800 में बना ये घर टिल डेट खाली है। हिमीरू नाम की फैमिली जो कि 19th सेंचुरी में अपने एंसेस्ट्रल घर में रहना शुरू करती है, एक नॉर्मल फैमिली अपने सर्वेंट्स के साथ उस अपने खानदानी घर में काफी सालों के बाद रहना शुरू करती है। रहते ही कुछ अजीबोगरीब वाकयात पेश आना शुरू हो जाते हैं, जैसे रात को किसी के भागने की आवाज आना, दरवाजे पे दस्तक होना, किसी के गहरे सांस लेने की आवाज आना हालांकि घर में कोई भी ना होना। फिर वक्त के साथ साथ वाकयात इतने खतरनाक होना शुरू हो गए कि वहां की फैमिली ने एक अमल करने का सोचा। ये अमल सिर्फ 19th सेंचुरी में ही नहीं बल्कि 1800 में भी उनके बाप दादाओं ने भी किया था, जिसको स्ट्रैंगलिंग रिचुअल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 20 दिसंबर की एक सर्द रात को उस इलाके से एक नौजवान लड़की को किडनैप किया जाता है। वो लड़की कहाँ गई, किधर गई, कौन उसको किडनैप कर गया, इसके बारे में 40-50 साल के बाद पता चला। पता ये चलता है कि हिमियोरी फैमिली नामी ये जो फैमिली थी, इनके एक शख्स ने उस रात एक बच्ची को किडनैप किया और उसका किडनैप करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक रिचुअल था, कि जिस रिचुअल से वो उस नेगेटिव एनर्जी या वो जो एंटिटी थी जो खतरनाक थी, जो खून मांग रही थी, उसको किसी तरीके से कर्टेल किया जा सके या फिर अपनी फैमिली को बचाया जा सके। ये रिचुअल मकार्बे रिचुअल के नाम से मशहूर है, अगर आप सर्च करना चाहें इंटरनेट पे आपको मिल सकता है, या स्ट्रैंगलिंग रिचुअल के नाम से भी मशहूर है। बकौल इस रिचुअल के, एक नौजवान लड़की को, प्रिसाइज वर्ड जो है, एक वर्जिन लड़की को एक गोल दायरे में बांधा जाता है, उसके इर्द गिर्द गोल दायरा बनाया जाता है, एक पेंटाग्राम बनाया जाता है, कुछ अलकाबाद पढ़े जाते हैं और फिर उसके हाथ दोनों साइडों से काट के उन खून को घर की दीवारों पे, खिड़कियों पे, दरवाजों पे लगाया जाता है। और सिर्फ लगाया ही नहीं जाता बल्कि उसकी पूरी बॉडी को जमीन से घसीटते हुए लेके जाते हैं ताकि वो पूरे खून की एक ट्रेल बने पूरे घर में। और ये करने से उनका मानना ये था कि जो भी एंटिटी है इस घर में वो इनकी फैमिली को तंग नहीं करेगी। ऐसे ही होता है, उस 15 साल बच्ची को किडनैप करने के बाद उस घर के अहाते में लाया जाता है, बांधा जाता है, उसके हाथ पैर काटे जाते हैं, उनमें से खून जब निकलना शुरू होता है तो उसको पूरे घर में उसकी बॉडी को घुमाया जाता है, वो खून हर दरवाजे हर खिड़की पे लगाया जाता है और उसके बाद घर के बाहर की तरफ एक और जगह बनाई जाती है जहां पे उसको जाके स्ट्रैंगल करके मार दिया जाता है। ये सब उस फैमिली ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया और उस जमाने में ये रिचुअल बड़ा कॉमन भी था। ये वही दौर था जापान का जब बहुत सारी जवान बच्चियां किडनैप हो रही थी, गायब हो रही थी और किसी को पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार ये बच्चियां जा कहां रही हैं। ना तो उनके किडनैप होने के निशान मिलते थे, ना ही उनकी डेड बॉडीज मिलती थी। जब ये वाकया सामने आया तो उसके बाद इस रिचुअल के बारे में अफवाहें फैलना शुरू हुई और फैलते फैलते कहानी हिमुरू मेंशन तक पहुंची। ये वही मेंशन था जो कि 18th सेंचुरी में जिधर सबसे पहला स्ट्रैंगलिंग
रिचुअल किया गया था। 100 साल के बाद जब उनकी थर्ड जेनरेशन उस घर में जाती है तो वो ये शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि कोई मखलूक है जो उनके घर को पजेस की हुई है। रात को सोते वक्त उनकी बेटी को अपने कमरे में एक बच्ची नजर आती थी जो कि जारो कतार रो रही होती थी, जिसके हाथों से खून टपक रहा होता था। माँ बाप ने भी अक्सर ये नोट किया कि जब वो रात को सो रहे होते थे तो उनके कमरे के दरवाजे पे, दरवाजे के नीचे जहां से रोशनी आ रही होती है, वहां से कोई बच्ची उनको झांक रही होती थी। यानी कि उस अंधेरे में से हल्की सी दो आंखें नजर आ रही होती थी जो उनको देख रही है। उसके बाद इस घर को बंद कर दिया गया। कई दफा कोशिश की गई बेचने की, नहीं बिक सका। कई दफा कोशिश की गई कि दूसरे तरीके से इसको तोड़ा जा सके, नहीं तोड़ सके। फिर उसके बाद ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया 1970s में। एक दौर ऐसा आया था कि अमेरिका भी अपनी सारी हॉन्टेड लोकेशंस को टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करता था, यानी कि उसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना ली थी। इन्होंने भी यही करने की कोशिश की कि इस जगह को मार्केटाइज किया जाए ताकि लोग आए, उसे पैसे कमाए जाएं। लेकिन जितने भी लोग उस घर में जाते रहते, यहां तक कि इस जगह को रेंट आउट करना शुरू कर दिया था कि स्पेंड अ नाइट इन अ हॉन्टेड रूम, तो जो भी उस घर में रहता था वो आखिर में मुश्किल से 4-5 घंटे ही गुजार पाता था, क्योंकि तमाम लोगों के साथ सिमिलर यही वाकया होता था कि उनको रात के किसी पहर एक बच्ची नजर आती थी जिसके हाथों से खून निकल रहा होता था और देखते ही देखते वो गायब हो जाती थी। वेल, हिमोरो मेंशन नामी ये जगह टोक्यो के बिल्कुल सेंटर में वाके एक ऐसी कहानी अपने अंदर समोई हुई है कि जिसकी आपको कोई मिसाल नहीं मिलती। वेल, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप सबको पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो रेज योर स्टैंडर्ड्स। आप लोग बहुत दिनों से जापानीज हॉरर स्टोरीज के बारे में चाह रहे थे कि हम करें, और हमने एक्चुअली ये शोशा छोड़ा था, तो आज वो शोशा पूरा हो गया। शोशा सही है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आगे पीछे हो गई हो तो उसके लिए माजत। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ हमने आप लोगों के साथ शेयर की है वो जाके खुद भी रिसर्च कीजिएगा, और रिसर्च फिर हमारे साथ शेयर भी कीजिएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में, अगर आपको सही लगे तो। जो भी है, वेल, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग अपने वाकयात हमसे फिर भी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए हमारे ईमेल एड्रेस पे official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा अगर आप लोग अपने वाकयात हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं 03111577846 पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू उस्मान नईम, अब्दुल वासिक करार, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर सुपर स्टिकर। अल्लाह हाफिज़।